क्योंकि अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में समलैंगिक शादी से जुड़ा बिल पास हो गया और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साइन होते ही ये कानून में बदल जाएगा और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला क्योंकि बाइडेन बोल चुके हैं कि संसद में जैसे ही ये बिल पास होगा वो तेजी से और गर्व से उस पर हस्ताक्षर कर देंगे जिसके बाद अमेरिका में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। क्योंकि जब ये बिल अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में पेश किया गया तो केवल सत्ता पक्ष के ही नहीं विपक्ष के भी कई सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला और समलैंगिक शादी का बिल पास हो गया। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 61 और विरोध में 36 वोट पड़े। जो 61 वोट बिल के समर्थन में पड़े उनमें 12 रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के थे जिन्होंने समलैंगिक शादी से जुड़े बिल में डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया और जैसे ही ये बिल पास हुआ बाइडेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बयान दिया कि प्यार तो प्यार होता है और अमेरिका के लोगों को उससे शादी करनी चाहिए जिससे वो प्यार करते हैं। उन्होंने इस बिल का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की भी तारीफ और खुलकर जताया कि अमेरिका में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिलने से वो खुश हैं और इसे एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का ने रूस की सेना पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस के सैनिकों ने यौन शोषण को हथियार बना लिया। ओलेना जेलेंस्का ने यह बयान यौन हिंसा से निपटने के लिए लंदन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया और आरोप लगाया कि रूस के सैनिक सिर्फ मिसाइलों की बौछार ही नहीं कर रहे बल्कि यूक्रेन की महिलाओं पर भी जुल्म ढा रहे हैं। ओलेना जेलेंस्का के मुताबिक रूसी जवानों को रेप करने के लिए खुद उनकी पत्नियां उकसा रही हैं। लंदन के एक कार्यक्रम में उन्होंने इल्जाम लगाया कि रूस के सैनिकों ने रेप और यौन हिंसा को अपना हथियार बना लिया और वो खुलकर ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। यही नहीं, ओलेना जेलेंस्का ने उस ऑडियो क्लिप का भी जिक्र किया जिसमें रूस के सैनिकों की पत्नियां उन्हें यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कह रही थी, जिसकी ऑडियो क्लिप कुछ महीने पहले पश्चिमी मीडिया में जारी की गई थी जिसमें रूस का एक जवान अपनी पत्नी से बात करता सुनाई दिया। फोन पर रूस के उस सैनिक की पत्नी उसे यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कहती सुनाई दी। इस ऑडियो का हवाला जेलेंस्की की पत्नी ने अपने भाषण में दिया। साथ ही जंग में रेप को युद्ध अपराध घोषित करने की मांग करते हुए गुनहगारों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने गलवान घटना के बाद अमेरिका को भारत के साथ संबंधों में दखल नहीं देने की चेतावनी दी थी। चीन ये नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत में इन दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हों, क्योंकि उसे ये डर सता रहा था कि 2020 में गलवान की हिंसक झड़प के बाद भारत अमेरिका के नजदीक चला जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंधों से परेशान है। वो ये नहीं चाहता है कि अमेरिका और भारत दोस्त बने। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि चीन ने LAC पर अवैध रूप से सेना को तैनात कर रखा है। इसके अलावा LAC पर चीन के अवैध निर्माणों पर भी अमेरिका ने सवाल उठाए थे जिस पर चीन भड़क गया था और इसके बाद ही उसने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो भारत और उसके बीच के रिश्तों से दूर रहे। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि चीन ने उस वक्त भारत के साथ तनाव कम करने की बात कही थी लेकिन उसे अमेरिका की दखलअंदाजी पसंद नहीं आ रही थी। उधर रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में एक गैस ठिकाने को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल उस जगह गिरी जहां से लोगों के घरों में गैस सप्लाई की जाती थी लेकिन हमले के बाद वहां आग लग गई। मिसाइल गिरने से वहां गैस की पाइपलाइन टूट गई और उससे गैस बाहर निकलने लगी। बताया गया कि जिस जगह पर हमला किया गया वहां से आसपास के बड़े इलाके में गैस की सप्लाई की जाती थी लेकिन सर्दी के मौसम में अब वहां से गैस की सप्लाई रुक गई जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले भी रूस ने पिछले करीब 2 महीनों में उन जगहों को निशाना बनाया है जो आम लोगों की जरूरत से जुड़ी थी। रूस ने यूक्रेन के कई पावर प्लांट और हाइड्रो प्लांट पर हमले बोले जिसके बाद कई शहरों में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। रूस ने कई गैस प्लांटों को भी निशाना बनाया जिसके बाद कहा गया कि उसने सर्दियों में यूक्रेन के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए ये रणनीति अपनाई है ताकि जंग में यूक्रेन को झुकाया जा सके। इधर इलॉन मस्क का एक ट्वीट खूब चर्चा में है। ट्विटर खरीदने के बाद इलॉन मस्क ने अपने बेड के पास रखी एक मेज की फोटो ट्वीट की। अपनी इस फोटो की वजह से वो नए विवाद में गिर गए और गन कल्चर का विरोध करने वाले लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्विटर पर डाली गई तस्वीर में कोल्ड ड्रिंक के 4 कैन रखे दिखे, इसके अलावा कुछ हथियार रखे दिखे। मोटे तौर पर 2 हथियार दिखे, एक असली और एक नकली। काले रंग की पिस्टल असली मानी जा रही है और वुडन फ्रेम वाली पिस्तौल नकली मानी जा रही है। इलॉन मस्क ने यह फोटो ट्वीट करते हुए बस माय बेड साइड टेबल के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। इलॉन मस्क गन कल्चर की तरफदारी करने वालों में शामिल रहे हैं लेकिन हथियार की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालते ही विवाद खड़ा हो गया। उन पर आरोप लगने लगे कि वो हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका में दशकों से गन कल्चर पर बहस चल रही है।
कुछ लोग वहां गन कल्चर के पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में। ट्विटर पर लोगों ने ये तक कहा कि गन कल्चर का समर्थक होना अलग बात है, लेकिन गन को प्रमोट करना अलग बात है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका के सैटेलाइट को पुतिन ने एक बार फिर मार गिराने की धमकी दी। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देशों की सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन की सेना उस पर जोरदार पलटवार कर रही है, जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। इसी वजह से पुतिन न सिर्फ बौखलाए हुए हैं, बल्कि वो पश्चिमी देशों की सैटेलाइट को मार गिराने तक की धमकी दे रहे हैं। पुतिन को इस बात का भी शक है कि जंग में अमेरिकी सैटेलाइट यूक्रेन की मदद करने के साथ रूस की जासूसी करने में भी लगी है। हालांकि ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं कि अमेरिकी सैटेलाइट रूस के लड़ाकू विमानों पर नजर रख रही है और ये पता लगा रही है कि रूस के लड़ाकू विमान और उसके बड़े बड़े हथियार कहां जा रहे हैं। खबर ये भी आई थी कि अमेरिकी सैटेलाइट रूस के परमाणु हथियारों की भी जासूसी में जुटी है। उस दौरान भी रूस ने अमेरिका को स्पेस वॉर की चुनौती दे डाली थी और अब एक बार फिर रूस ने पश्चिमी देशों की सैटेलाइटों को मार गिराने की धमकी दी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा। और इन प्रतिबंधों की सबसे बड़ी मार रूस के ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को अपने विमानों और ट्रेनों की मरम्मत के लिए जरूरी पुर्जे नहीं मिल रहे और रूस की सरकारी एयरलाइन तो बहुत हद तक पश्चिमी देशों में बने एयरबस और बोइंग विमानों पर निर्भर है। लेकिन जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने इन विमानों के पुर्जे रूस को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। और खबर है कि इस मुश्किल से निपटने के लिए रूस ने भारत के सामने मदद के लिए झोली फैलाई है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को 40 से ज्यादा उपकरणों की लिस्ट सौंपी है, जिनमें एयरक्राफ्ट और ट्रेन की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे भी शामिल हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक रूस की इस मांग पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जबकि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को ये लिस्ट उस वक्त सौंपी थी जब नवंबर की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे थे। और रूस को उम्मीद है कि जिस तरह पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारत ने उससे तेल की खरीद जारी रखी, वो इस मामले में भी उसकी मदद से पीछे नहीं हटेगा। जानकारों का मानना है कि अगर रूस की मांग मान ली गई तो आने वाले महीनों में भारत से रूस को होने वाला निर्यात $1,000 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 80,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो फिलहाल करीब $200 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,000 करोड़ है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि भारत की कुछ कंपनियां रूस को उसकी जरूरत के उपकरण सप्लाई करने में हिचकिचाहट दिखा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने पर वो पश्चिमी देशों के निशाने पर आ जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज, स्पेन में यूक्रेन के दूतावास में हुए धमाके पर। यूक्रेन युद्ध के बीच स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेन के दूतावास में विस्फोट हो गया। पुलिस के मुताबिक इस ब्लास्ट में दूतावास का एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि दूतावास में एक लिफाफा भेजा गया, जिसे खोलते ही जोरदार धमाका हुआ। अब ये पता किया जा रहा है कि इस ब्लास्ट के पीछे कौन है। स्पेन की घटना के बाद दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, साथ ही कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या पता चल रहा है? जी देखिए किशोर जी, जिस तरह से यूक्रेन की एम्बेसी पे लेटर बम का विस्फोट हुआ, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी, उनका कहना है कि पहले से ही जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहती है तमाम एम्बेसीज की, और खासतौर पर यूक्रेन की एम्बेसी के बाहर पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद थी। और उनके जो कर्मचारी, उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया, और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है उन पर भी पैनी नजर रखने के लिए जो है वो एम्बेसीज के अधिकारियों को कहा गया, और दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है पूरी घटना के बाद। शुक्रिया आनंद आपका। इधर खबर है कि ईरान में सितंबर से जारी प्रदर्शन में 450 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। 16 सितंबर को महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हिजाब विरोधी आंदोलन शुरू हुए थे, जो धीरे धीरे पूरे ईरान में फैल गए। नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन ने इनसे जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े दिए हैं। दावा किया गया है कि अब तक 450 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा झड़प की घटनाओं में कई पुलिस वालों की जान भी गई। उधर चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जमिन का निधन हो गया। चीन के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जियांग जमिन को ब्लड कैंसर था और उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जमिन 96 साल के थे। उन्होंने चीन के तेज विकास के लिए आर्थिक सुधारों का समर्थन किया था और चीन को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने विदेश मंत्री की मौत के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए। 3 दिन पहले बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर माइके की 64 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने विदेश मंत्री व्लादिमीर माइके की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत का पता लगाने के लिए टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के आदेश दे दिए,
जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं व्लादिमीर माइके को जानबूझकर जहर तो नहीं दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि वो पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर संपर्क में थे और जंग में रूस के बेलारूस को इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। रूस बीते 9 महीने से लगातार बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमले कर रहा है। व्लादिमीर माइके को पुतिन का विरोधी बताया जाता था, इसी वजह से ये आशंका जताई गई कि उनकी मौत के पीछे रूस का हाथ हो सकता है, क्योंकि अपनी मौत से ठीक पहले तक बेलारूस के विदेश मंत्री स्वस्थ थे और किसी तरह की गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे थे। व्लादिमीर माइके की रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले उनकी मौत हो गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर माइके की मौत के बाद लुकाशेंको को भी अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हो रहा है। खबर है कि इसी वजह से उन्होंने उनके यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को बदल दिया, जिनमें उनके लिए खाना बनाने वाला शेफ भी शामिल है, क्योंकि लुकाशेंको को डर है कि कोई उनके खाने में जहर मिलाकर उनकी जान लेने की साजिश रच सकता है। उधर दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां एक अमेरिकी युद्धपोत के पहुंचने पर चीन ने उसे धमकी दे दी। G20 में बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच समंदर के इस हिस्से में ये पहली भिड़ंत है, जिसमें चीन ने अमेरिका के एक युद्धपोत का दक्षिण चीन सागर में आने पर जोरदार विरोध किया। चीन ने घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी युद्धपोत के वहां आने को अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन बताया, क्योंकि अमेरिका का ये जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड्स के करीब पहुंच गया था, जिसे चीन अपना बताता है। हालांकि अमेरिका ने चीन के आरोपों को झूठा करार दिया। अमेरिका ने साफ किया कि वो चीन की समुद्री सीमा में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में है, जहां से कोई भी जहाज गुजर सकता है। लेकिन दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर में काफी देर तक तनाव बना रहा, और ऐसा बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के बाद पहली बार हुआ। दोनों इंडोनेशिया में हुई G20 समिट के दौरान 2 हफ्ते पहले मिले थे, तब बाइडेन और शी ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर जोर दिया था। इस बीच रूस ने हमले का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवानों ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से पूरा इलाका दहल उठा। सामने आए वीडियो में रूस के जवान हमले की तैयारी करते नजर आए। वो हथियारों से लैस एक टैंक को खुले मैदान की तरफ ले गए और वहां से यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। दावा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों समेत आधुनिक हथियारों से लैस टैंक तबाह हो गए और जेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उधर आसिम मुनीर के पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही दो बड़े अफसरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक रोज पहले ही आसिम मुनीर ने सेना प्रमुख के तौर पर बाजवा की जगह ली थी, और पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि उनके पद संभालते ही सेना में विरोध के सुर तेज हो गए। आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाए जाने से नाराज दो अफसरों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का इस्तीफा तो मंजूर भी कर लिया गया, जबकि दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने भी अपना पद छोड़ दिया, जबकि दोनों अफसर सेना प्रमुख बनने की रेस में आगे चल रहे थे। उनके नाम करीब करीब तय भी हो गए थे, लेकिन ऐन मौके पर दोनों का पत्ता साफ हो गया और आसिम मुनीर को आर्मी चीफ की गद्दी सौंप दी गई, क्योंकि उन्हें इमरान खान का कट्टर विरोधी बताया जाता है। जबकि जिन दो अफसरों ने इस्तीफा दिया वो इमरान खान के चहेते थे, इसी वजह से उनकी जगह आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना की कमान दी गई, ताकि इमरान खान और उनकी पार्टी पर नकेल कसी जा सके। इस बीच सीरिया पर चौतरफा हमले की तैयारी में बैठे तुर्की ने वहां 5 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। तुर्की की तरफ से जानकारी दी गई कि उसने उन्हें उत्तरी सीरिया में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान मारा और फिर अपने इस ऑपरेशन के बारे में दुनिया को बताया। उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना का घुसना, वहां तबाही मचाना कोई नई बात नहीं है। एक दिन पहले ही तुर्की ने बयान दिया था कि वो कुछ ही दिनों में सीरिया पर हमला कर देगा, जिसके लिए उसकी तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। या यूं कहें कि तुर्की ने ऐलान कर दिया कि सीरिया पर तुर्की के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इसी बीच तुर्की ने उत्तरी सीरिया में चलाए गए उसके एक और ऑपरेशन की जानकारी दी और बताया कि उसने वहां 5 कुर्द लड़ाकों को मारा है, क्योंकि उसे शक था कि वो कुर्द लड़ाके तुर्की के सैनिकों पर हमला करने की तैयारी में थे। वैसे तुर्की कई दिनों से कह रहा है कि वो सीरिया के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है और उस पर जमीन और आसमान दोनों तरफ से हवाई हमला करने वाला है। लेकिन अब एर्दोगान एक नई बात कह रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि तुर्की की सेना पहले कुर्द लड़ाकों को तुर्की और सीरिया के बॉर्डर से दूर हटाएगी और फिर सीरिया पर हमला करेगी, क्योंकि उसे डर है कि सीरिया में कुर्द लड़ाकों का संगठन SDF तुर्की में घुसपैठ का प्लान बना रहा है। जबकि SDF ने अमेरिका से मदद मांगी और कहा कि तुर्की उसके ठिकानों पर कभी भी हमला कर देगा, यानी तुर्की हमला करे या न करे उसने SDF को डरा जरूर दिया है। उधर यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने जेलेंस्की की सेना के एक कैंप का दौरा किया। इस दौरे का वीडियो ब्रिटेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक ट्रेनिंग कैंप में यूक्रेन के सैनिक युद्ध का अभ्यास करते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में एक जवान ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करता दिखा, उसके पीछे कई दूसरे जवान भी ट्रेनिंग लेते नजर आए।
बताया गया कि न्यूजीलैंड की सेना का एक जवान पिछले कई दिनों से जेलेंस्की के सैनिकों को ट्रेनिंग देने में जुटा है। हालांकि ब्रिटेन ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि यह वीडियो किस इलाके का है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के शुरुआती दिनों में ही यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की प्लानिंग कर ली थी। इस बात का पर्दाफाश खुद रूस की खुफिया एजेंसी FSB के एक कर्मचारी की लीक ईमेल से हुआ। ईमेल के मुताबिक 24 फरवरी को हमले के बाद जंग के शुरू होने में ही यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्लान था। यानी हमले के तुरंत बाद यूक्रेन को ऐसे दहलाने की योजना बना ली गई थी कि वो घुटने टेक दे, और इसके लिए पुतिन ने तैयारी भी कर ली थी। हालांकि अपने ही अधिकारियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। ये दावा अमेरिका की न्यूजवीक मैगजीन ने FSB के कर्मचारी की लीक ईमेल के आधार पर किया, जिसमें यह बताया गया कि जंग के पहले महीने में ही यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की तैयारी थी, और इसी मुद्दे पर पुतिन ने अपने खास लोगों के साथ चर्चा भी शुरू कर दी थी। न्यूजवीक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी FSB के कर्मचारी ने एक नहीं बल्कि कई ईमेल एक सामाजिक कार्यकर्ता को भेजी थी, जिनमें यूक्रेन पर परमाणु बम से हमले की आशंका जताई गई थी। और ईमेल के मुताबिक ऐसा जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही करने का प्लान था। यानी पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के कुछ दिन बाद ही उसे बर्बाद करने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि रिपोर्ट में रूस की खुफिया एजेंसी की जिन ईमेल का हवाला दिया गया उनमें पहली ईमेल 4 मार्च यानी 24 फरवरी को हुए हमले के 8 दिन बाद ही लिखी गई थी। इसके बाद 17 मार्च, 21 मार्च और 12 अप्रैल को भी FSB के कर्मचारी ने सामाजिक कार्यकर्ता को ईमेल भेजी थी, जिनमें परमाणु हमला होने की आशंका के साथ ही जंग छेड़ने के बाद पुतिन के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी का भी जिक्र किया गया था। और ये दावा किया गया था कि पुतिन के खिलाफ सिर्फ FSB के अधिकारी ही नहीं बल्कि सेना के कई लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद परमाणु हमले की जिद पर अड़े पुतिन को भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं परमाणु हमले के बाद उनके करीबी ही साथ न छोड़ दें। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना के कई अधिकारी तो पुतिन से इतने खफा थे कि वो खुलकर विरोध जताने लगे थे, जबकि दबी जुबान में वहां ये भी कहा जाने लगा कि परमाणु हमला करके पुतिन सबसे बड़ी मूर्खता करेंगे, क्योंकि ऐसा करके वो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेते। ईमेल के मुताबिक रूसी सेना के अधिकारियों ने पुतिन के खिलाफ ऐसा रुख दिखाया मानो वहां गृह युद्ध छिड़ने वाला हो, और इसी बात ने पुतिन को परमाणु हमले जैसा कदम उठाने से रोक दिया। लेकिन उन्होंने यूक्रेन पर हमला नहीं रोका, जबकि खुद उनकी खुफिया एजेंसी यूक्रेन पर हुए हमले के खिलाफ थी। न्यूजवीक ने दावा किया कि FSB ने इसे एक बिना सोचे समझे उठाया कदम करार दिया था, और इसके लिए उसने सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। FSB की लीक हुई ईमेल के मुताबिक जंग की शुरुआत में ही यह साफ हो गया था कि रूसी सेना के पास लड़ाई की कोई रणनीति नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ पुतिन के घमंड की वजह से यूक्रेन पर धावा बोल दिया था, क्योंकि पुतिन यूक्रेन को रूस में मिलाने का ऐलान कर चुके थे और इस फैसले में उनके करीबियों को भी साथ देना पड़ा। FSB के कर्मचारी ने ईमेल में इस बात का जिक्र किया कि पुतिन को यूक्रेन पर हमले से रोकने वाला रूस में कोई नहीं था, जबकि सभी को उससे होने वाले नुकसान का अंदाजा था। उधर खबर है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव से बौखलाया चीन इस इलाके में सैन्य अड्डे बनाने में जुट गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। मतलब ये कि दक्षिण चीन सागर के बाद चीन ने अब पूरे हिंद महासागर पर अपना दबदबा बढ़ाने के गेम प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए पहले उसने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके के कई देशों के बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बनाई, जिसमें भारत के आसपास बसे पाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। और पेंटागन की ओर से अमेरिकी कांग्रेस में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने अब इन देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाने की कोशिश भी तेज कर दी है, और कंबोडिया में तो उसने नेवल बेस बनाने का काम शुरू भी कर दिया, जो इस इलाके में उसका पहला सैन्य अड्डा होगा, जिसके तैयार होने पर हिंद महासागर में चीन की पकड़ मजबूत हो जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सोवियत संघ के दौर की खुफिया एजेंसी KGB में जासूस रहते व्लादिमीर पुतिन बेहद क्रूर थे। पश्चिमी मीडिया में यह भी दावा किया गया कि पुतिन का ये राज KGB की एक फाइल में दफन था, जिसमें इस बात का सबूत है कि एक जासूस के तौर पर पुतिन का इतिहास बेहद काला रहा है, क्योंकि सोवियत संघ के दौर में तब की सरकार के खिलाफ लिखने, बोलने या पेंटिंग बनाने वाले को पुतिन यातना शिविरों में भेज दिया करते थे। वो उस समय महज 23 साल के थे और तब की खुफिया एजेंसी KGB में तैनात थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक KGB की सीक्रेट रिपोर्ट में बताया गया कि वो उस वक्त के उन अफसरों में शुमार थे जो सोवियत संघ में अपनी क्रूरता के लिए बदनाम थे। उस दौर में सरकार विरोधी लेखकों और कलाकारों पर काफी कड़े प्रतिबंध थे, जो उन्हें नहीं मानता था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। दावा है कि पुतिन इन्हीं लोगों को यातना शिविरों में कड़ी सजा देते थे। पश्चिमी मीडिया ने कुछ पन्ने जारी कर इसे पुतिन से जुड़ी KGB की सीक्रेट रिपोर्ट बताया। इस बीच ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि ताइवान संकट पर पहली बार नेटो में चर्चा की गई। हालांकि इस मुद्दे पर बैठक सितंबर में हुई थी, लेकिन इसकी खबर अब सामने आई है।
और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक नेटो की इस बैठक में सिर्फ ताइवान मुद्दे पर ही बातचीत हुई थी। कहा गया कि इस बैठक में अमेरिका ने नेटो देशों का ध्यान चीन की तरफ खींचा था, जो ताइवान पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बताया गया कि अमेरिका ने चीनी सेना की तैयारियों की जानकारी भी नेटो देशों को दी थी, क्योंकि चीनी सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। वो न सिर्फ बमों और रॉकेट को इकट्ठा कर रही है, बल्कि बड़ी संख्या में घातक मिसाइलें भी जुटा रही है, ताकि किसी भी वक्त वो ताइवान पर हमला कर दे। हालांकि अमेरिका कई बार ऐलान कर चुका है कि अगर चीन ने ऐसा किया तो उसे अमेरिका से भी जंग लड़नी होगी, यानी तब अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ देगा। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन को एक बड़ा झटका दिया और उसे ब्रिटेन के परमाणु प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। ऋषि सुनक ने पद संभालने के बाद विदेश नीति पर दिए अपने पहले ही भाषण में जता दिया था कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, और ब्रिटेन के परमाणु प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी को अलग करके उन्होंने ये साबित भी कर दिया। करीब 9 साल पहले ब्रिटेन ने खुद चीन से कहा था कि वो उसके परमाणु प्रोजेक्ट में निवेश करे, जिसके बाद ब्रिटेन, चीन और फ्रांस ने मिलकर साइजवेल सी नाम के परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर काम शुरू किया था। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सत्ता संभालते ही फैसला किया कि वो साइजवेल सी प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी CGN को अलग कर देंगे और फ्रांस की कंपनी EDF के साथ 50-50 की पार्टनरशिप में काम करेंगे, क्योंकि ऋषि सुनक ने विदेश नीति पर अपने पहले ही संबोधन में बोल दिया था कि चीन के साथ ब्रिटेन के संबंधों का सुनहरा युग खत्म हो गया है। जिसका साफ यही मतलब था कि सुनक अब चीन के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया भर के देशों के रिश्ते बदल चुके हैं, और जो देश कभी दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन बन चुके हैं। ब्रिटेन और चीन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद ब्रिटेन और अमेरिका साथ हैं, जबकि अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। यही नहीं, चीन ने उन सभी देशों से भी बैर मोल ले लिया है जो अमेरिका के दोस्त हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान और इंडो पैसिफिक रीजन है, जहां अमेरिका का ही नहीं ऑकस में अमेरिका के साथ ब्रिटेन का भी दखल बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर चीन और ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ा, क्योंकि गद्दी संभालते ही ऋषि सुनक ने बोल दिया कि चीन ब्रिटेन के लिए चुनौती है, क्योंकि ब्रिटेन और चीन की सोच नहीं मिलती। और जैसे जैसे चीन की निरंकुशता बढ़ती जा रही है, ब्रिटेन उससे दूर होता जा रहा है। यही नहीं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने यह भी जता दिया कि वो केवल चीन के खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाने के लिए कड़े फैसले भी लेंगे। ब्रिटेन के परमाणु प्रोजेक्ट से चीन को अलग करने का फैसला उन्हीं में एक है। ब्रिटेन का साइजवेल सी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इतनी बिजली पैदा होगी जो करीब 60 लाख घरों की जरूरत पूरी कर सकती है, और ब्रिटेन का दावा है कि वो 2035 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगा। लेकिन अब चीन इसका हिस्सा नहीं होगा। माना जा रहा है कि इससे काम में देरी हो सकती है, क्योंकि जब ब्रिटेन और चीन ने समझौता किया था तो तय हुआ था कि चीन और फ्रांस की कंपनी इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन को मिलकर बनाएंगी। लेकिन अब हालात अलग हैं, क्योंकि ऋषि सुनक कह रहे हैं कि वो चीन से दूरी बनाएंगे और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान से रिश्ते मजबूत करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन युद्ध पर। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमला किया है। खबर है कि रूस के ब्रियंस्क शहर के तेल डिपो में यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से आग लगी। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन रूस के मीडिया का आरोप है कि तेल डिपो में रखे एक टैंकर पर यूक्रेन की ओर से आए ड्रोन ने बम गिराया, जिसके बाद वहां रुक रुक के धमाके होने लगे और आग भड़क गई। देखते ही देखते ये आग बड़े दायरे में फैल गई और इसकी वजह से ब्रियंस्क से यूक्रेन की ओर जाने वाला रास्ता बंद करना पड़ गया। असल में रूस का ब्रियंस्क शहर यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास बसा है और यूक्रेन आरोप लगाता रहा है कि रूस इस शहर के रास्ते ही यूक्रेन में जंग लड़ रही सेना के लिए हथियारों की सप्लाई करता है, और दावा किया जा रहा है कि तेल डिपो में हुए धमाके की वजह से हथियारों की सप्लाई के रूट को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। नेटो को आशंका है पुतिन सर्दियों में यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं और आने वाले दिनों में वो एक बार फिर यूक्रेन के शहरों को दहलाने के लिए मिसाइलों की बरसात कर सकते हैं। नेटो के महासचिव ने यह आशंका हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रही नेटो देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जताई और रूस के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन की मदद तेज करने की अपील की, क्योंकि यूक्रेन में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और नेटो को आशंका है कि पुतिन वहां हो रही भारी बर्फबारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है। इसीलिए सर्दियों में रूस के बड़े हमले की आशंका से घबराए येंस स्टोल्टनबर्ग ने नेटो देशों से एकजुटता दिखाने के लिए कहा और यूक्रेन की मदद के लिए आधुनिक हथियारों की सप्लाई तेज करने की अपील की, ताकि यूक्रेन की सेना रूस के हवाई हमलों को नाकाम कर सके और पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में घातक हथियारों की मदद से ताबड़तोड़ हमले कर रूस के सैनिकों को जल्द से जल्द पीछे हटने के लिए मजबूर कर सके, क्योंकि यूक्रेन में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है
और यूक्रेन के कई शहर पहले ही बिजली और पानी के भारी संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में नेटो का मानना है कि भारी बर्फबारी के बीच यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए पुतिन ने खास गेम प्लान तैयार कर लिया। प्रेसिडेंट पुतिन इज ट्राइंग टू वेपनाइज विंटर। और नेटो की ये आशंका जायज भी है, क्योंकि यूक्रेन में कई मोर्चों पर रूसी सेना की हार से बौखलाए पुतिन ने पिछले दिनों यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी थी। इन हमलों में कई इमारतें और पावर प्लांट तबाह हो गए थे और ज्यादातर शहरों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई, जिसकी वजह से खून जमा देने वाली ठंड में यूक्रेन के हजारों लोग बेघर हैं। ऐसे में रूस की गोलाबारी और बर्फबारी के बीच जंग में टिके रहना यूक्रेन की फौज के लिए कठिन चुनौती साबित हो सकता है। इसीलिए नेटो को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन की इसी चुनौती को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं और जेलेंस्की की फौज को घुटनों पर लाने के लिए आने वाले दिनों में उनकी ओर से हवाई हमलों का सिलसिला तेज हो सकता है, जिससे निपटने के लिए नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने नेटो देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की अपील की, जिसका असर भी होता दिखा। और पोलैंड ने जर्मनी से वो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने के लिए कह दिया, जिसकी खरीद के लिए कुछ दिनों पहले ही उसकी जर्मनी के साथ डील हो चुकी है। इसके अलावा जर्मनी ने भी यूक्रेन को आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट टैंक देने का भरोसा दिया। वहीं नेटो के सदस्य बनने की तैयारी में जुटे फिनलैंड ने यूक्रेन के सैनिकों को सर्दियों में जंग लड़ने की ट्रेनिंग की पेशकश कर दी है। मतलब ये कि सर्दियों में यूक्रेन युद्ध और भीषण हो सकता है, क्योंकि पुतिन के बड़े हमले की आशंका के बीच नेटो ने इस जंग में टिके रहने के लिए यूक्रेन को अपने घातक हथियारों से लैस करने की ठान ली है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चीन से जुड़ी। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि चीन 1500 न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में है। मतलब यह कि सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में चीन के पास सिर्फ 200 परमाणु हथियार थे, लेकिन अब उसके पास परमाणु बमों की संख्या बढ़कर 400 पहुंच गई है। लेकिन दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अगर इसी तरह चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाता रहा तो 2035 तक उसके पास 1500 से ज्यादा एटम बम हो जाएंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और इसीलिए अमेरिका इस खतरे से सभी को आगाह कर रहा है। उधर चीन ये भी जानता है कि उसके महाशक्ति बनने की राह में अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा है और इसी वजह से वो अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में जुट गया है, क्योंकि चीन को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर उसका टकराव अमेरिका से हुआ तो फिर न्यूक्लियर पावर ही उसे बचा पाएगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अभी 400 परमाणु हथियार हैं और वो 2035 तक 1500 एटम बम बना लेगा, जबकि साल 2020 में अमेरिका ने यह अनुमान लगाया था कि चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 200 के आसपास है और अगले 10 साल में इसकी संख्या बढ़कर दुगनी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका का यह अनुमान तब गलत साबित हो गया जब चीन ने महज 2 साल के अंदर परमाणु हथियारों की संख्या 400 से ज्यादा कर ली। और इसी बात से अमेरिका की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अगर चीन इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और परमाणु हथियार बनाता रहा तो वो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका और रूस को काफी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस के पास सबसे ज्यादा एटम बम है और इस मामले में अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। अमेरिका का दावा है चीन न सिर्फ परमाणु हथियार बढ़ाने में जुटा है बल्कि वो जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगहों पर खुद को ताकतवर बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में चीन ने 135 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए थे, जो बाकी दुनिया के कुल टेस्ट से ज्यादा है। यही नहीं, 2025 तक चीन के पास जंगी जहाजों की संख्या 400 तक पहुंच जाएगी, जो अत्याधुनिक घातक हथियारों से लैस होंगे। दावा है कि अंतरिक्ष में भी जंग लड़ने के लिए चीन हथियार विकसित कर रहा है। चीन के पास 10 लाख सैनिकों की सेना है। जंगी जहाजों की संख्या के आधार पर चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है और अब वो सुपर पावर बनने के लिए परमाणु ताकत बढ़ा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में वो अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को चुनौती दे सके। इस बीच पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया। इस हमले में पाकिस्तान के 5 पुलिस वालों की जान चली गई। आसिम मुनीर के पाकिस्तानी फौज की कमान संभालने के थोड़ी ही देर बाद यह हमला हुआ और साफ हो गया कि पाकिस्तान की फौज के मुखिया के तौर पर उनका काम आसान नहीं होगा। उन्होंने अभी पाकिस्तानी फौज के चीफ का दफ्तर ठीक से देखा भी नहीं था और उससे पहले ही दर्दनाक हमले की खबर आ गई। पाकिस्तान के पुलिस वालों को ले जा रहा एक ट्रक आतंकी हमले का शिकार बन गया। हमला इतना जोरदार था कि आसपास चल रही कुछ गाड़ियां भी धमाके की चपेट में आ गई। हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली। ये वही संगठन है जिसकी तरफ से आई चिट्ठी ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान की सरकार की टेंशन बढ़ा दी। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान बारूद के ढेर पर है और वहाँ बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की फौज ने सीज फायर का समझौता किया था। जून के बाद से ही ये संगठन खामोश था, लेकिन TTP की शिकायत ये है कि समझौते के बावजूद पाकिस्तान की फौज शांत नहीं थी, इसीलिए उसने समझौते को तोड़ने का ऐलान कर दिया था और पूरे पाकिस्तान में मौजूद TTP से जुड़े लड़ाकों के नाम एक चिट्ठी भी जारी की थी।
कहा गया था कि पूरे पाकिस्तान में धमाके किए जाएं ताकि पाकिस्तान की फौज को उनकी आवाज सुनाई दे। और इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज कुछ समझ पाती, क्वेटा में एक बड़ा हमला हो गया। पाकिस्तान की पुलिस के कई जवान एक ट्रक में सवार होकर जा रहे थे, उसी वक्त एक आत्मघाती हमलावर ट्रक के करीब पहुंच गया। अचानक हुए ब्लास्ट में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमले वाली जगह पर सैकड़ों मीटर दूर तक मलबा फैला हुआ दिखने लगा। कुछ ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। इतने बड़े हमले में कई किलो विस्फोटक के इस्तेमाल का अंदेशा लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये हमला टीटीपी ने केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए किया है, लेकिन यह अकेला हमला नहीं है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में ये हमलों की एक नई शुरुआत है, जिसका साफ मतलब ये है कि अपनी ही लगाई आग में पाकिस्तान अब जलने लगा है। यानी पाकिस्तान की फौज के नए मुखिया आसिम मुनीर की टेंशन और बढ़ने वाली है। माना जा रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से टकराव का असर अफगानिस्तान पर भी पड़ेगा और अफगानिस्तान बॉर्डर पर चल रहा विवाद और भड़क सकता है। अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान और टीटीपी में ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद टीटीपी की विचारधारा बिल्कुल अफगानिस्तान वाले तालिबान जैसी ही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा यानी ड्यूरेंड लाइन पर तालिबान भड़के हुए हैं। ड्यूरेंड लाइन पर तालिबान और पाकिस्तान पिछले एक महीने से आमने सामने हैं। पाकिस्तान में अगर टीटीपी के साथ जंग छिड़ गई तो तालिबान के तेवर भी तल्ख हो सकते हैं। यानी एक तरफ टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान के शहरों पर हमले करेंगे, दूसरी तरफ तालिबान बॉर्डर पर पाकिस्तान की आफत बनेंगे। मतलब ये कि पाकिस्तान की सेना के सामने घर के अंदर भी चुनौती है और घर के बाहर भी चुनौती। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज के नए चीफ आसिम मुनीर के लिए ये चुनौती किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। उधर दक्षिण कोरिया का आरोप है कि चीन और रूस के लड़ाकू विमान उसकी हवाई सीमा में दाखिल हुए। अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करने पर चीन पहले से ही दक्षिण कोरिया पर भड़का हुआ है। और इसी बीच उसके दो लड़ाकू विमानों ने दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में घुसकर उसे टेंशन में ला दिया। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि सबसे पहले चीन के दो H-6 बॉम्बर उसकी सीमा में दाखिल हुए। इनके बाद रूस के एक के बाद एक 6 लड़ाकू विमानों ने इसी तरह उसकी सीमा को पार किया। बताया गया कि रूस के इन विमानों में TU-95 बॉम्बर और Sukhoi-35 फाइटर जेट भी शामिल थे। असल में दक्षिण कोरिया ने हाल ही में कई बार अमेरिकी सेना के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया था, जिसके बाद से ही चीन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस के बीच नजदीकी भी बढ़ी है। कई मौकों पर दोनों के सुर एक जैसे रहे हैं। और इसी वजह से जब दक्षिण कोरिया ने अपनी सीमा में इन दोनों देशों के विमानों को देखा तो वो तुरंत एक्शन में आ गया। दावा है कि दक्षिण कोरिया की सेना पलटवार के लिए तैयार हो गई और उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया ने अपने ताकतवर F-15 के लड़ाकू विमान भी आसमान में उड़ा दिए। बताया गया कि दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट ने चीन और रूस के विमानों का काफी दूर तक पीछा किया। और दक्षिण कोरिया के जबरदस्त पलटवार करने के बाद चीन और रूस के लड़ाकू विमान लौट गए। दक्षिण कोरिया का ये भी दावा है कि चीन और रूस की वायुसेना मिलकर इन दिनों मिलिट्री ड्रिल कर रही है और उसकी सीमा में इन दोनों देशों के लड़ाकू विमानों का दाखिल होना इसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा हो सकता है। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड ने अपनी सीमा पर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने से इनकार कर दिया। उसने इस डिफेंस सिस्टम के लिए जर्मनी की मदद को ठुकरा दिया और उसे ये संदेश दे दिया कि वो इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर तैनात नहीं करेगा। इसके साथ ही पोलैंड ने जर्मनी को ये भी नसीहत दी कि वो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीधा यूक्रेन ही भेज दे ताकि वो रूस की मिसाइलों से अपनी सुरक्षा कर सके। कुछ रोज पहले ही जर्मनी ने पोलैंड की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। ऐसा तब हुआ था जब एक मिसाइल उसकी सीमा में आकर गिर गई थी और दो लोगों की मौत हो गई थी। तब जर्मनी ने पोलैंड को सलाह दी थी कि वो रूस के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम की तैनाती करे, लेकिन अब पोलैंड ने इससे इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि उसने ऐसा रूस से सीधी दुश्मनी मोल लेने से बचने के लिए किया, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सीमा के अंदर से अगर रूसी मिसाइलों पर हमला हुआ तो फिर वो रूस के निशाने पर आ जाएगा। इस बीच खबर है कि पोप फ्रांसिस के बयान पर चेचन कमांडर रमजान कादिरव बुरी तरह भड़क गए, क्योंकि पोप फ्रांसिस ने पिछले दिनों एक अखबार को दिए इंटरव्यू में चेचन लड़ाकों को रूस की ओर से यूक्रेन में जंग लड़ रहे सबसे बेरहम सैनिक बताया था। और पोप के इसी बयान से पुतिन को अपना आका मानने वाले कादिरव आग बबूला हो गए। उन्होंने पोप फ्रांसिस को यूक्रेन जंग पर पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा का पीड़ित बता दिया। कादिरव ने यूक्रेन में चेचन लड़ाकों पर लग रहे बर्बरता के आरोपों को भी बेबुनियाद बताया और दावा किया कि उन्होंने हर बार हमले से पहले यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर का पूरा मौका दिया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि दुनिया के इतने बड़े धर्मगुरु दुश्मन के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के रवैये के बारे में नहीं जानते। कादिरव से पहले चेचनिया की संसद और वेटिकन सिटी में रूस के राजदूत भी पोप फ्रांसिस के बयान पर सख्त एतराज जता चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, चीन में चल रहे आंदोलनों पर चीन की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों की आगे झुकने के संकेत दे दिए हैं।
मतलब ये कि सरकार कोरोना वायरस से जुड़ी जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव करने वाली है। अब तक चीन में विरोध प्रदर्शनों को ताकत के दम पर कुचलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पॉलिसी में बदलाव से जुड़ी जानकारी चीन की सरकार की तरफ से दी गई है। क्या बदलाव होंगे, कितनी छूट लोगों को दी जाएगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार चीन की सरकार को झुकना पड़ा है। कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार सवालों में, और माना तो यहां तक जा रहा था कि इन आंदोलनों की वजह से शी जिनपिंग की कुर्सी तक जा सकती है, लेकिन खबर आई कि चीन अब जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव पर राजी हो गया है। पिछले कुछ दिनों से चीन के कई बड़े शहर आंदोलन की आग में सुलग रहे हैं। प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में युवा हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें छात्र भी शामिल हैं। चीन की सरकार ने युवाओं से अपील की है कि वो घर लौट जाएं। हालांकि आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। चीन की सरकार से मिले भरोसे का लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा। लोग मान रहे हैं कि वहां की कम्युनिस्ट सरकार की पूरी कोशिश किसी भी तरह केवल आंदोलन को खत्म कराने की है, और इसकी वजह भी साफ है। चीन के अंदर चल रहे इस आंदोलन को अब दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन और कनाडा समेत दुनिया के कई देश खुलकर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी चीन को नसीहत दी है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों पर चीन की पुलिस की बर्बरता वाले वीडियो वायरल होने के बाद संयुक्त राष्ट्र को यह कदम उठाना पड़ा। दूसरी तरफ ब्रिटेन भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खासतौर पर बीबीसी के पत्रकार के साथ हुई मारपीट पर नाराजगी जताई थी, जबकि कनाडा ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि लोगों से विरोध का अधिकार छीना जाना दुख की बात है। कनाडा ने यह भी कहा कि वो जरूरी कदम उठाने पर विचार कर रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन के सारे दुश्मन जिनपिंग की इस आफत का फायदा उठा सकते हैं। ऊपर से बड़ी परेशानी यह है कि इस आफत की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कारोबार समेट रही हैं। ऊपर से इन आंदोलनों के कारण बड़े बड़े शहर ठप पड़ गए हैं। बीजिंग समेत चीन के 5 सबसे बड़े शहर आंदोलन की वजह से बेहाल हैं। मतलब ये कि चीन के 5 ऐसे शहर जहां से उसकी 3/4 कमाई आती थी, वो 5ों शहर चौपट हैं। वो भी तब जब एप्पल जैसी बड़ी कंपनी पहले ही चीन से कारोबार समेटने के संकेत दे चुकी है। आंकड़े भी बताते हैं कि एप्पल धीरे धीरे चीन से कारोबार समेट रही है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 2019 में एप्पल के उत्पादों की कुल सप्लाई का करीब 45% हिस्सा चीन से आया था। 2020 में जब महामारी आई तो कुल सप्लाई का 41% हिस्सा ही चीन से आया, और 2021 में यह आंकड़ा और घटकर 36% पर पहुंच गया। सबसे बड़ी गिरावट 2022 में आने का अनुमान है, क्योंकि इस साल बड़ी संख्या में एप्पल के प्रोडक्ट भारत, वियतनाम और ताइवान में बन रहे हैं। मतलब ये कि जीरो कोविड पॉलिसी के चक्कर में चीन की दुनिया भर में फजीहत भी हो रही है और उसकी जेब पर भी डाका पड़ रहा है। उधर नेटो में शामिल होने की तैयारी के बीच फिनलैंड ने अमेरिका से हथियारों की बड़ी डील कर ली। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका कई देशों को बड़े पैमाने पर हथियार बेच रहा है, और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फिनलैंड को हथियारों की बहुत बड़ी खेप देने की मंजूरी दे दी। दोनों देशों के बीच $323 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2,600 करोड़ से ज्यादा की डील हुई। यानी यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका फिनलैंड को बड़ी संख्या में मिसाइलें और रॉकेट देगा। असल में फिनलैंड की सीमा रूस से मिलती है, और जब से उसने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है तभी से वो पुतिन की नजरों में खटक रहा है। रूसी राष्ट्रपति कई बार फिनलैंड को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, जिसके बाद ही फिनलैंड ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया और घातक हथियारों के लिए उसने अमेरिका से सौदा कर लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर वो रूसी हमले का सामना कर सके। इधर यूके में करवाई गई जनगणना में ईसाई समुदाय की आबादी पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। वहां की सरकार ने जानकारी दी कि पहली बार इंग्लैंड और वेल्स में ईसाई समुदाय के लोगों की आबादी कुल जनसंख्या के आधे से कम हो गई, जिससे यूके के ईसाई धर्म गुरुओं की टेंशन बढ़ गई, और उन्होंने एक बार फिर ईसाई धर्म का प्रचार तेज करने की मांग उठा दी, क्योंकि यूके का आधिकारिक धर्म ईसाई है। लेकिन 2021 की जनगणना पर जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में कुल आबादी के करीब 46% लोगों ने ही अपना धर्म ईसाई बताया, जबकि 2011 की जनगणना में ये संख्या कुल आबादी के करीब 59% थी। हालांकि इस रिपोर्ट में स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के आंकड़े शामिल नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते इन दोनों ही जगहों पर तय वक्त पर जनगणना शुरू नहीं हो पाई थी। लेकिन जनगणना के जो आंकड़े सामने आए उनसे ईसाई संगठनों में खलबली मच गई, क्योंकि यूके के इतिहास में पहली बार ईसाई समुदाय के लोगों की आबादी कुल आबादी के 50% से कम हो गई। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने वाले ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में पुतिन मॉस्को समेत कई बड़े शहरों में मार्शल लॉ लगा सकते हैं, और माना जा रहा है कि उनके इस फैसले के खिलाफ रूस के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं।
इसी वजह से पुतिन ने विरोध प्रदर्शनों से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन अगले साल भीड़ को तितर बितर करने वाले हॉर्नेट ड्रोन को बड़े पैमाने पर बनाना शुरू करेंगे, जिसका इस्तेमाल प्रदर्शनों के दौरान भीड़ को भगाने के लिए किया जाएगा। इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि जंग के मैदान में भी ये दुश्मन के छक्के छोड़ा सकता है। यही नहीं, रडार जैमिंग तकनीक के साथ साथ खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इसमें एक ताकतवर कैमरा लगा है और दावा यह किया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से ही रूस इस हॉर्नेट ड्रोन को बनाने का काम शुरू कर देगा। उधर यूक्रेन की सीमा के पास रूस के ब्रियंस्क में एक तेल डिपो में अचानक आग लग गई। तेल डिपो से निकलती भयानक आग की लपटों ने वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए, क्योंकि आग की उठती विकराल लपटें बवंडर की तरह फैलने लगी, जिन्हें ब्रियंस्क में कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। इसी बीच तेल डिपो में रुक रुक कर धमाके भी होने लगे, जिससे आग ज्यादा भड़क गई और उस पर काबू पाना दमकल विभाग के लिए मुश्किल हो गया। तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि वो कई घंटों तक जलता रहा, जिससे निकलते काले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। इस घटना में अभी तक किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है, साथ ही तेल डिपो में आग किस वजह से लगी वो भी अभी पता नहीं चल पाया है। इधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि चीन के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार जैक मा इन दिनों जापान में है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों पर सवाल उठाने के बाद से ही उनकी कोई खबर सामने नहीं आ रही थी, और अब दावा किया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीनों से जापान की राजधानी टोक्यो में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। कहा गया कि इस दौरान उन्होंने जापान से ही अमेरिका और इसराइल की यात्राएं भी की हैं। असल में जैक मा ने न सिर्फ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों पर सवाल उठाए थे, बल्कि उन्होंने कई सरकारी बैंकों की भी आलोचना की थी, जिसके बाद से ही वो और उनकी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा चीनी सरकार के रडार पर आ गई थी। बताया गया कि ऐसे में उनके लिए चीन में रहना बेहद मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने अपने देश को छोड़ने में ही भलाई समझी। जैक मा चीन के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में जुटा है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी बताया जाता है और ये पूरी दुनिया में कसाई ब्रिगेड के नाम से मशहूर है और अपने खूंखार रवैये के लिए जानी जाती है। इस ग्रुप के लड़ाके अपनी बेदर्दी के कारण दुनिया भर में बदनाम है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए बाइडेन सरकार वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में दिख रही है। जंग के दौरान इस खूंखार ग्रुप ने पुतिन की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई। खबर है कि वैगनर ग्रुप अफ्रीका में भी पैर पसारता जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में इस ग्रुप के अस्तित्व और ताकत बढ़ती चली गई। और ऐसा तब है जब वैगनर ग्रुप पर अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन पहले ही कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप के संस्थापक रूस के राष्ट्रपति के बेहद करीबी दोस्त हैं। आरोप है कि कुछ रोज पहले उन्होंने यूरोपीय संसद को धमकाने के लिए खून लगा हथौड़ा भेजा था। बताया गया कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यूरोपीय संसद ने हाल ही में यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को एक आतंकवादी देश घोषित किया था। हालांकि कुछ समय पहले रूस ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उसके वैगनर ग्रुप से संबंध है। उधर अमेरिकी संसद में समलैंगिक शादी से जुड़ा बिल पास हो गया, जो अमेरिका में रहने वाले उन सभी जोड़ों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने वहां की सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले के बाद शादी की थी, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में समलैंगिक समुदाय को मान्यता दे दी थी, जिसके बाद इस समुदाय के कई लोगों ने शादी कर ली थी, जिन्हें अमेरिकी संसद से अच्छी खबर मिली, क्योंकि अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में समलैंगिक शादी से जुड़ा बिल पास हो गया और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साइन होते ही ये कानून में बदल जाएगा और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, क्योंकि बाइडेन बोल चुके हैं कि संसद में जैसे ही ये बिल पास होगा वो तेजी से और गर्व से उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, जिसके बाद अमेरिका में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। क्योंकि जब ये बिल अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में पेश किया गया तो केवल सत्ता पक्ष के ही नहीं विपक्ष के भी कई सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला और समलैंगिक शादी का बिल पास हो गया। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 61 और विरोध में 36 वोट पड़े। जो 61 वोट बिल के समर्थन में पड़े उनमें 12 रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के थे, जिन्होंने समलैंगिक शादी से जुड़े बिल में डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया। और जैसे ही ये बिल पास हुआ बाइडेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बयान दिया कि प्यार तो प्यार होता है और अमेरिका के लोगों को उससे शादी करनी चाहिए जिससे वो प्यार करते हैं। उन्होंने इस बिल का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की भी तारीफ और खुलकर जताया कि अमेरिका में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिलने से वो खुश हैं और इसे एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का ने रूस की सेना पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस के सैनिकों ने यौन शोषण को हथियार बना लिया है। ओलेना जेलेंस्का ने यह बयान यौन हिंसा से निपटने के लिए लंदन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया और आरोप लगाया कि रूस के सैनिक सिर्फ मिसाइलों की बौछारी नहीं कर रहे बल्कि यूक्रेन की महिलाओं पर भी जुल्म ढा रहे हैं। ओलेना जेलेंस्का के मुताबिक रूसी जवानों को रेप करने के लिए खुद उनकी पत्नियां उकसा रही हैं।
लंदन के एक कार्यक्रम में उन्होंने इल्जाम लगाया कि रूस के सैनिकों ने रेप और यौन हिंसा को अपना हथियार बना लिया और वो खुलकर ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। यही नहीं, ओलेना ज़ेलेंस्का ने उस ऑडियो क्लिप का भी जिक्र किया जिसमें रूस के सैनिकों की पत्नियां उन्हें यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कह रही थी, जिसकी ऑडियो क्लिप कुछ महीने पहले पश्चिमी मीडिया में जारी की गई थी, जिसमें रूस का एक जवान अपनी पत्नी से बात करता सुनाई दिया। फोन पर रूस के उस सैनिक की पत्नी उसे यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कहती सुनाई दी। इस ऑडियो का हवाला ज़ेलेंस्की की पत्नी ने अपने भाषण में दिया। साथ ही जंग में रेप को युद्ध अपराध घोषित करने की मांग करते हुए गुनहगारों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने गलवान घटना के बाद अमेरिका को भारत के साथ संबंधों में दखल नहीं देने की चेतावनी दी थी। चीन ये नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत में इन दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हों, क्योंकि उसे ये डर सता रहा था कि 2020 में गलवान की हिंसक झड़प के बाद भारत अमेरिका के नजदीक चला जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंधों से परेशान है। वो ये नहीं चाहता है कि अमेरिका और भारत दोस्त बने। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अमेरिका ने ये आरोप लगाया था कि चीन ने एलएसी पर अवैध रूप से सेना को तैनात कर रखा है। इसके अलावा एलएसी पर चीन के अवैध निर्माणों पर भी अमेरिका ने सवाल उठाए थे, जिस पर चीन भड़क गया था और इसके बाद ही उसने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो भारत और उसके बीच के रिश्तों से दूर रहे। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि चीन ने उस वक्त भारत के साथ तनाव कम करने की बात कही थी, लेकिन उसे अमेरिका की दखलअंदाजी पसंद नहीं आ रही थी। उधर रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में एक गैस ठिकाने को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल उस जगह गिरी जहां से लोगों के घरों में गैस सप्लाई की जाती थी, लेकिन हमले के बाद वहां आग लग गई। मिसाइल गिरने से वहां गैस की पाइपलाइन टूट गई और उससे गैस बाहर निकलने लगी। बताया गया कि जिस जगह पर हमला किया गया वहां से आसपास के बड़े इलाके में गैस की सप्लाई की जाती थी, लेकिन सर्दी के मौसम में अब वहां से गैस की सप्लाई रुक गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले भी रूस ने पिछले करीब 2 महीनों में उन जगहों को निशाना बनाया है जो आम लोगों की जरूरत से जुड़ी थी। रूस ने यूक्रेन के कई पावर प्लांट और हाइड्रो प्लांट पर हमले बोले, जिसके बाद कई शहरों में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। रूस ने कई गैस प्लांटों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद कहा गया कि उसने सर्दियों में यूक्रेन के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए ये रणनीति अपनाई है, ताकि जंग में यूक्रेन को झुकाया जा सके। इधर इलॉन मस्क का एक ट्वीट खूब चर्चा में है। ट्विटर खरीदने के बाद इलॉन मस्क ने अपने बेड के पास रखी एक मेज की फोटो ट्वीट की। अपनी इस फोटो की वजह से वो नए विवाद में गिर गए और गन कल्चर का विरोध करने वाले लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्विटर पर डाली गई तस्वीर में कोल्ड ड्रिंक के 4 कैन रखे दिखे, इसके अलावा कुछ हथियार रखे दिखे। मोटे तौर पर 2 हथियार दिखे, एक असली और एक नकली। काले रंग की पिस्टल असली मानी जा रही है और वुडन फ्रेम वाली पिस्तौल नकली मानी जा रही है। इलॉन मस्क ने ये फोटो ट्वीट करते हुए बस माय बेडसाइड टेबल के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। इलॉन मस्क गन कल्चर की तरफदारी करने वालों में शामिल रहे, लेकिन हथियार की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालते ही विवाद खड़ा हो गया। उन पर आरोप लगने लगे कि वो हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका में दशकों से गन कल्चर पर बहस चल रही है। कुछ लोग वहां गन कल्चर के पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में। ट्विटर पर लोगों ने ये तक कहा कि गन कल्चर का समर्थक होना अलग बात है, लेकिन गन को प्रमोट करना अलग बात है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका के सैटेलाइट को पुतिन ने एक बार फिर गिराने की धमकी दी। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देशों की सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन की सेना उस पर जोरदार पलटवार कर रही है, जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। इसी वजह से पुतिन न सिर्फ बौखलाए हुए हैं, बल्कि वो पश्चिमी देशों की सैटेलाइट को मार गिराने तक की धमकी दे रहे हैं। पुतिन को इस बात का भी शक है कि जंग में अमेरिकी सैटेलाइट यूक्रेन की मदद करने के साथ रूस की जासूसी करने में भी लगी है। हालांकि ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं कि अमेरिकी सैटेलाइट रूस के लड़ाकू विमानों पर नजर रख रही है और ये पता लगा रही है कि रूस के लड़ाकू विमान और उसके बड़े बड़े हथियार कहां जा रहे हैं। खबर ये भी आई थी कि अमेरिकी सैटेलाइट रूस के परमाणु हथियारों की भी जासूसी में जुटी है। उस दौरान भी रूस ने अमेरिका को स्पेस वॉर की चुनौती दे डाली थी और अब एक बार फिर रूस ने पश्चिमी देशों की सैटेलाइटों को मार गिराने की धमकी दी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा। और इन प्रतिबंधों की सबसे बड़ी मार रूस के ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को अपने विमानों और ट्रेनों की मरम्मत के लिए जरूरी पुर्जे नहीं मिल रहे और रूस की सरकारी एयरलाइन तो बहुत हद तक पश्चिमी देशों में बने एयरबस और बोइंग विमानों पर निर्भर है।
लेकिन जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने इन विमानों के पुर्जे रूस को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। और खबर है कि इस मुश्किल से निपटने के लिए रूस ने भारत के सामने मदद के लिए झोली फैलाई है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को 40 से ज्यादा उपकरणों की लिस्ट सौंपी है, जिनमें एयरक्राफ्ट और ट्रेन की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे भी शामिल हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक रूस की इस मांग पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जबकि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को ये लिस्ट उस वक्त सौंपी थी जब नवंबर की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे थे। और रूस को उम्मीद है कि जिस तरह पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारत ने उससे तेल की खरीद जारी रखी, वो इस मामले में भी उसकी मदद से पीछे नहीं हटेगा। जानकारों का मानना है कि अगर रूस की मांग मान ली गई तो आने वाले महीनों में भारत से रूस को होने वाला निर्यात $1,000 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 80,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो फिलहाल करीब $200 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,000 करोड़ है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि भारत की कुछ कंपनियां रूस को उसकी जरूरत के उपकरण सप्लाई करने में हिचकिचाहट दिखा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने पर वो पश्चिमी देशों के निशाने पर आ जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज, स्पेन में यूक्रेन के दूतावास में हुए धमाके पर। यूक्रेन युद्ध के बीच स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेन के दूतावास में विस्फोट हो गया। पुलिस के मुताबिक इस ब्लास्ट में दूतावास का एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि दूतावास में एक लिफाफा भेजा गया, जिसे खोलते ही जोरदार धमाका हुआ। अब यह पता किया जा रहा है कि इस ब्लास्ट के पीछे कौन है। स्पेन की घटना के बाद दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, साथ ही कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या पता चल रहा है? जी देखिए किशोर जी, जिस तरह से यूक्रेन के एम्बेसी पे लेटर बम का विस्फोट हुआ, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी, उनका कहना है कि पहले से जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहती है तमाम एम्बेसीज की, और खासतौर पर यूक्रेन के एम्बेसी के बाहर पहले से सुरक्षा चाक चौबंद थी, और उनके जो कर्मचारी उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया, और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है उन पर भी पैनी नजर रखने के लिए जो है वो एम्बेसीज के अधिकारियों को कहा गया, और दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है पूरी घटना के बाद। शुक्रिया आनंद आपका। इधर खबर है कि ईरान में सितंबर से जारी प्रदर्शन में 450 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। 16 सितंबर को महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हिजाब विरोधी आंदोलन शुरू हुए थे, जो धीरे धीरे पूरे ईरान में फैल गए। नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन ने इनसे जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े दिए हैं। दावा किया गया है कि अब तक 450 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा झड़प की घटनाओं में कई पुलिस वालों की जान भी गई। उधर चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जमिन का निधन हो गया। चीन के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जियांग जमिन को ब्लड कैंसर था और उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जमिन 96 साल के थे। उन्होंने चीन के तेज विकास के लिए आर्थिक सुधारों का समर्थन किया था और चीन को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने विदेश मंत्री की मौत के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए। 3 दिन पहले बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर माइके की 64 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने विदेश मंत्री व्लादिमीर माइके की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत का पता लगाने के लिए टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के आदेश दे दिए, जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं व्लादिमीर माइके को जानबूझकर जहर तो नहीं दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि वो पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर संपर्क में थे और जंग में रूस के बेलारूस को इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। रूस बीते 9 महीने से लगातार बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमले कर रहा है। व्लादिमीर माइके को पुतिन का विरोधी बताया जाता था, इसी वजह से ये आशंका जताई गई कि उनकी मौत के पीछे रूस का हाथ हो सकता है, क्योंकि अपनी मौत से ठीक पहले तक बेलारूस के विदेश मंत्री स्वस्थ थे और किसी तरह की गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे थे। व्लादिमीर माइके की रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात होनी थी, लेकिन उससे 1 दिन पहले उनकी मौत हो गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर माइके की मौत के बाद लुकाशेंको को भी अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हो रहा है। खबर है कि इसी वजह से उन्होंने उनके यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को बदल दिया, जिनमें उनके लिए खाना बनाने वाला शेफ भी शामिल है, क्योंकि लुकाशेंको को डर है कि कोई उनके खाने में जहर मिलाकर उनकी जान लेने की साजिश रच सकता है। उधर दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां एक अमेरिकी युद्धपोत के पहुंचने पर चीन ने उसे धमकी दे दी। G20 में बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच समंदर के इस हिस्से में यह पहली भिड़ंत है, जिसमें चीन ने अमेरिका के एक युद्धपोत का दक्षिण चीन सागर में आने पर जोरदार विरोध किया। चीन ने घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी युद्धपोत के वहां आने को अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन बताया, क्योंकि अमेरिका का यह जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड्स के करीब पहुंच गया था, जिसे चीन अपना बताता है। हालांकि अमेरिका ने चीन के आरोपों को झूठा करार दिया।
अमेरिका ने साफ किया कि वो चीन की समुद्री सीमा में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में है, जहां से कोई भी जहाज गुजर सकता है। लेकिन दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर में काफी देर तक तनाव बना रहा, और ऐसा बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के बाद पहली बार हुआ। दोनों इंडोनेशिया में हुई G20 समिट के दौरान 2 हफ्ते पहले मिले थे। तब बाइडेन और शी ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर जोर दिया था। इस बीच रूस ने हमले का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवानों ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से पूरा इलाका दहल उठा। सामने आए वीडियो में रूस के जवान हमले की तैयारी करते नजर आए। वो हथियारों से लैस एक टैंक को खुले मैदान की तरफ ले गए और वहां से यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। दावा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों समेत आधुनिक हथियारों से लैस टैंक तबाह हो गए और जेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उधर आसिम मुनीर के पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही दो बड़े अफसरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक रोज पहले ही आसिम मुनीर ने सेना प्रमुख के तौर पर बाजवा की जगह ली थी, और पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि उनके पद संभालते ही सेना में विरोध के सुर तेज हो गए। आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाए जाने से नाराज दो अफसरों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का इस्तीफा तो मंजूर भी कर लिया गया, जबकि दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने भी अपना पद छोड़ दिया। जबकि दोनों अफसर सेना प्रमुख बनने की रेस में आगे चल रहे थे, उनके नाम करीब करीब तय भी हो गए थे। लेकिन ऐन मौके पर दोनों का पत्ता साफ हो गया और आसिम मुनीर को आर्मी चीफ की गद्दी सौंप दी गई, क्योंकि उन्हें इमरान खान का कट्टर विरोधी बताया जाता है। जबकि जिन दो अफसरों ने इस्तीफा दिया वो इमरान खान के चहेते थे, इसी वजह से उनकी जगह आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना की कमान दी गई, ताकि इमरान खान और उनकी पार्टी पर नकेल कसी जा सके। इस बीच सीरिया पर चौतरफा हमले की तैयारी में बैठे तुर्की ने वहां 5 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। तुर्की की तरफ से जानकारी दी गई कि उसने उन्हें उत्तरी सीरिया में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान मारा, और फिर अपने इस ऑपरेशन के बारे में दुनिया को बताया। उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना का घुसना, वहां तबाही मचाना कोई नई बात नहीं है। एक दिन पहले ही तुर्की ने बयान दिया था कि वो कुछ ही दिनों में सीरिया पर हमला कर देगा, जिसके लिए उसकी तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। या यूं कहें कि तुर्की ने ऐलान कर दिया कि सीरिया पर तुर्की के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इसी बीच तुर्की ने उत्तरी सीरिया में चलाए गए उसके एक और ऑपरेशन की जानकारी दी और बताया कि उसने वहां 5 कुर्द लड़ाकों को मारा है, क्योंकि उसे शक था कि वो कुर्द लड़ाके तुर्की के सैनिकों पर हमला करने की तैयारी में थे। वैसे तुर्की कई दिनों से कह रहा है कि वो सीरिया के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है और उस पर जमीन और आसमान दोनों तरफ से हवाई हमला करने वाला है। लेकिन अब एर्दोगान एक नई बात कह रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि तुर्की की सेना पहले कुर्द लड़ाकों को तुर्की और सीरिया के बॉर्डर से दूर हटाएगी और फिर सीरिया पर हमला करेगी, क्योंकि उसे डर है कि सीरिया में कुर्द लड़ाकों का संगठन SDF तुर्की में घुसपैठ का प्लान बना रहा है। जबकि SDF ने अमेरिका से मदद मांगी और कहा कि तुर्की उसके ठिकानों पर कभी भी हमला कर देगा, यानी तुर्की हमला करे या न करे उसने SDF को डरा जरूर दिया है। उधर यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने जेलेंस्की की सेना के एक कैंप का दौरा किया। इस दौरे का वीडियो ब्रिटेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक ट्रेनिंग कैंप में यूक्रेन के सैनिक युद्ध का अभ्यास करते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में एक जवान ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करता दिखा, उसके पीछे कई दूसरे जवान भी ट्रेनिंग लेते नजर आए। बताया गया कि न्यूजीलैंड की सेना का एक जवान पिछले कई दिनों से जेलेंस्की के सैनिकों को ट्रेनिंग देने में जुटा है। हालांकि ब्रिटेन ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि यह वीडियो किस इलाके का है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के शुरुआती दिनों में ही यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की प्लानिंग कर ली थी। इस बात का पर्दाफाश खुद रूस की खुफिया एजेंसी FSB के एक कर्मचारी की लीक ईमेल से हुआ। ईमेल के मुताबिक 24 फरवरी को हमले के बाद जंग के शुरू होने में ही यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्लान था, यानी हमले के तुरंत बाद यूक्रेन को ऐसे दहलाने की योजना बना ली गई थी कि वो घुटने टेक दे, और इसके लिए पुतिन ने तैयारी भी कर ली थी। हालांकि अपने ही अधिकारियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए, ये दावा अमेरिका की न्यूजवीक मैगजीन ने FSB के कर्मचारी की लीक ईमेल के आधार पर किया, जिसमें यह बताया गया कि जंग के पहले महीने में ही यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की तैयारी थी और इसी मुद्दे पर पुतिन ने अपने खास लोगों के साथ चर्चा भी शुरू कर दी थी। न्यूजवीक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी FSB के कर्मचारी ने एक नहीं बल्कि कई ईमेल एक सामाजिक कार्यकर्ता को भेजी थी, जिनमें यूक्रेन पर परमाणु बम से हमले की आशंका जताई गई थी। और ईमेल के मुताबिक ऐसा जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही करने का प्लान था, यानी पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के कुछ दिन बाद ही उसे बर्बाद करने की तैयारी कर ली थी। क्योंकि रिपोर्ट में रूस की खुफिया एजेंसी की जिन ईमेल का हवाला दिया गया उनमें पहली ईमेल 4 मार्च यानी 24 फरवरी को हुए हमले के 8 दिन बाद ही लिखी गई थी। इसके बाद 17 मार्च, 21 मार्च और 12 अप्रैल को भी FSB के कर्मचारी ने सामाजिक कार्यकर्ता को ईमेल भेजी थी।
जिनमें परमाणु हमला होने की आशंका के साथ ही जंग छेड़ने के बाद पुतिन के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी का भी जिक्र किया गया था। और ये दावा किया गया था कि पुतिन के खिलाफ सिर्फ एफएसबी के अधिकारी ही नहीं बल्कि सेना के कई लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद परमाणु हमले की जिद पर अड़े पुतिन को भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं परमाणु हमले के बाद उनके करीबी ही साथ न छोड़ दें। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना के कई अधिकारी तो पुतिन से इतने खफा थे कि वो खुलकर विरोध जताने लगे थे, जबकि दबी जुबान में वहां ये भी कहा जाने लगा कि परमाणु हमला करके पुतिन सबसे बड़ी मूर्खता करेंगे, क्योंकि ऐसा करके वो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेते। ईमेल के मुताबिक रूसी सेना के अधिकारियों ने पुतिन के खिलाफ ऐसा रुख दिखाया मानो वहां गृह युद्ध छिड़ने वाला हो, और इसी बात ने पुतिन को परमाणु हमले जैसा कदम उठाने से रोक दिया। लेकिन उन्होंने यूक्रेन पर हमला नहीं रोका, जबकि खुद उनकी खुफिया एजेंसी यूक्रेन पर हुए हमले के खिलाफ थी। न्यूज़वीक ने दावा किया कि एफएसबी ने इसे एक बिना सोचे समझे उठाया कदम करार दिया था, और इसके लिए उसने सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। एफएसबी की लीक हुई ईमेल के मुताबिक जंग की शुरुआत में ही यह साफ हो गया था कि रूसी सेना के पास लड़ाई की कोई रणनीति नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ पुतिन के घमंड की वजह से यूक्रेन पर धावा बोल दिया था, क्योंकि पुतिन यूक्रेन को रूस में मिलाने का ऐलान कर चुके थे और इस फैसले में उनके करीबियों को भी साथ देना पड़ा। एफएसबी के कर्मचारी ने ईमेल में इस बात का जिक्र किया कि पुतिन को यूक्रेन पर हमले से रोकने वाला रूस में कोई नहीं था, जबकि सभी को उससे होने वाले नुकसान का अंदाजा था। उधर खबर है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव से बौखलाया चीन इस इलाके में सैन्य अड्डे बनाने में जुट गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। मतलब ये कि दक्षिण चीन सागर के बाद चीन ने अब पूरे हिंद महासागर पर अपना दबदबा बढ़ाने के गेम प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए पहले उसने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके के कई देशों के बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बनाई, जिसमें भारत के आसपास बसे पाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। और पेंटागन की ओर से अमेरिकी कांग्रेस में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने अब इन देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाने की कोशिश भी तेज कर दी है, और कंबोडिया में तो उसने नेवल बेस बनाने का काम शुरू भी कर दिया, जो इस इलाके में उसका पहला सैन्य अड्डा होगा, जिसके तैयार होने पर हिंद महासागर में चीन की पकड़ मजबूत हो जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सोवियत संघ के दौर की खुफिया एजेंसी KGB में जासूस रहते व्लादिमीर पुतिन बेहद क्रूर थे। पश्चिमी मीडिया में यह भी दावा किया गया कि पुतिन का ये राज KGB की एक फाइल में दफन था, जिसमें इस बात का सबूत है कि एक जासूस के तौर पर पुतिन का इतिहास बेहद काला रहा है, क्योंकि सोवियत संघ के दौर में तब की सरकार के खिलाफ लिखने, बोलने या पेंटिंग बनाने वाले को पुतिन यातना शिविरों में भेज दिया करते थे। वो उस समय महज 23 साल के थे और तब की खुफिया एजेंसी KGB में तैनात थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक KGB की सीक्रेट रिपोर्ट में बताया गया कि वो उस वक्त के उन अफसरों में शुमार थे जो सोवियत संघ में अपनी क्रूरता के लिए बदनाम थे। उस दौर में सरकार विरोधी लेखकों और कलाकारों पर काफी कड़े प्रतिबंध थे, जो उन्हें नहीं मानता था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। दावा है कि पुतिन इन्हीं लोगों को यातना शिविरों में कड़ी सजा देते थे। पश्चिमी मीडिया ने कुछ पन्ने जारी कर इसे पुतिन से जुड़ी KGB की सीक्रेट रिपोर्ट बताया। इस बीच ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि ताइवान संकट पर पहली बार नेटो में चर्चा की गई। हालांकि इस मुद्दे पर बैठक सितंबर में हुई थी, लेकिन इसकी खबर अब सामने आई है। और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक नेटो की इस बैठक में सिर्फ ताइवान मुद्दे पर ही बातचीत हुई थी। कहा गया कि इस बैठक में अमेरिका ने नेटो देशों का ध्यान चीन की तरफ खींचा था, जो ताइवान पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बताया गया कि अमेरिका ने चीनी सेना की तैयारियों की जानकारी भी नेटो देशों को दी थी, क्योंकि चीनी सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। वो न सिर्फ बमों और रॉकेट को इकट्ठा कर रही है, बल्कि बड़ी संख्या में घातक मिसाइलें भी जुटा रही है, ताकि किसी भी वक्त वो ताइवान पर हमला कर दे। हालांकि अमेरिका कई बार ऐलान कर चुका है कि अगर चीन ने ऐसा किया तो उसे अमेरिका से भी जंग लड़नी होगी, यानी तब अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ देगा। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन को एक बड़ा झटका दिया और उसे ब्रिटेन के परमाणु प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। ऋषि सुनक ने पद संभालने के बाद विदेश नीति पर दिए अपने पहले ही भाषण में जता दिया था कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, और ब्रिटेन के परमाणु प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी को अलग करके उन्होंने ये साबित भी कर दिया। करीब 9 साल पहले ब्रिटेन ने खुद चीन से कहा था कि वो उसके परमाणु प्रोजेक्ट में निवेश करे, जिसके बाद ब्रिटेन, चीन और फ्रांस ने मिलकर साइजवेल सी नाम के परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर काम शुरू किया था। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सत्ता संभालते ही फैसला किया कि वो साइजवेल सी प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी CGN को अलग कर देंगे और फ्रांस की कंपनी EDF के साथ 50-50 की पार्टनरशिप में काम करेंगे, क्योंकि ऋषि सुनक ने विदेश नीति पर अपने पहले ही संबोधन में बोल दिया था कि चीन के साथ ब्रिटेन के संबंधों का सुनहरा युग खत्म हो गया है।
जिसका साफ यही मतलब था कि सुनक अब चीन के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया भर के देशों के रिश्ते बदल चुके हैं और जो देश कभी दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन बन चुके हैं। ब्रिटेन और चीन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद ब्रिटेन और अमेरिका साथ हैं, जबकि अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। यही नहीं, चीन ने उन सभी देशों से भी बैर मोल ले लिया है जो अमेरिका के दोस्त हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान और इंडो पैसिफिक रीजन है, जहां अमेरिका का ही नहीं ऑकस में अमेरिका के साथ ब्रिटेन का भी दखल बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर चीन और ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ा। क्योंकि गद्दी संभालते ही ऋषि सुनक ने बोल दिया कि चीन ब्रिटेन के लिए चुनौती है, क्योंकि ब्रिटेन और चीन की सोच नहीं मिलती। और जैसे जैसे चीन की निरंकुशता बढ़ती जा रही है, ब्रिटेन उससे दूर होता जा रहा है। यही नहीं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने यह भी जता दिया कि वो केवल चीन के खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाने के लिए कड़े फैसले भी लेंगे। ब्रिटेन के परमाणु प्रोजेक्ट से चीन को अलग करने का फैसला उन्हीं में एक है। ब्रिटेन का साइजवेल सी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इतनी बिजली पैदा होगी जो करीब 60 लाख घरों की जरूरत पूरी कर सकती है, और ब्रिटेन का दावा है कि वो 2035 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगा। लेकिन अब चीन इसका हिस्सा नहीं होगा। माना जा रहा है कि इससे काम में देरी हो सकती है, क्योंकि जब ब्रिटेन और चीन ने समझौता किया था तो तय हुआ था कि चीन और फ्रांस की कंपनी इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन को मिलकर बनाएंगी। लेकिन अब हालात अलग हैं, क्योंकि ऋषि सुनक कह रहे हैं कि वो चीन से दूरी बनाएंगे और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान से रिश्ते मजबूत करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन युद्ध पर। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमला किया है। खबर है कि रूस के ब्रियंस्क शहर के तेल डिपो में यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से आग लगी। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन रूस के मीडिया का आरोप है कि तेल डिपो में रखे एक टैंकर पर यूक्रेन की ओर से आए ड्रोन ने बम गिराया, जिसके बाद वहां रुक रुक के धमाके होने लगे और आग भड़क गई। देखते ही देखते ये आग बड़े दायरे में फैल गई और इसकी वजह से ब्रियंस्क से यूक्रेन की ओर जाने वाला रास्ता बंद करना पड़ गया। असल में रूस का ब्रियंस्क शहर यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास बसा है और यूक्रेन आरोप लगाता रहा है कि रूस इस शहर के रास्ते ही यूक्रेन में जंग लड़ रही सेना के लिए हथियारों की सप्लाई करता है, और दावा किया जा रहा है कि तेल डिपो में हुए धमाके की वजह से हथियारों की सप्लाई के रूट को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। नेटो को आशंका है पुतिन सर्दियों में यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं और आने वाले दिनों में वो एक बार फिर यूक्रेन के शहरों को दहलाने के लिए मिसाइलों की बरसात कर सकते हैं। नेटो के महासचिव ने यह आशंका हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रही नेटो देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जताई और रूस के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन की मदद तेज करने की अपील की, क्योंकि यूक्रेन में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और नेटो को आशंका है कि पुतिन वहां हो रही भारी बर्फबारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में है। इसीलिए सर्दियों में रूस के बड़े हमले की आशंका से घबराए येन स्टोल्टनबर्ग ने नेटो देशों से एकजुटता दिखाने के लिए कहा और यूक्रेन की मदद के लिए आधुनिक हथियारों की सप्लाई तेज करने की अपील की, ताकि यूक्रेन की सेना रूस के हवाई हमलों को नाकाम कर सके और पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में घातक हथियारों की मदद से ताबड़तोड़ हमले कर रूस के सैनिकों को जल्द से जल्द पीछे हटने के लिए मजबूर कर सके, क्योंकि यूक्रेन में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और यूक्रेन के कई शहर पहले ही बिजली और पानी के भारी संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में नेटो का मानना है कि भारी बर्फबारी के बीच यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए पुतिन ने खास गेम प्लान तैयार कर लिया। प्रेसिडेंट पुतिन इज ट्राइंग टू वेपनाइज विंटर। और नेटो की यह आशंका जायज भी है, क्योंकि यूक्रेन में कई मोर्चों पर रूसी सेना की हार से बौखलाए पुतिन ने पिछले दिनों यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी थी। इन हमलों में कई इमारतें और पावर प्लांट तबाह हो गए थे और ज्यादातर शहरों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई, जिसकी वजह से खून जमा देने वाली ठंड में यूक्रेन के हजारों लोग बेघर हैं। ऐसे में रूस की गोलाबारी और बर्फबारी के बीच जंग में टिके रहना यूक्रेन की फौज के लिए कठिन चुनौती साबित हो सकता है। इसीलिए नेटो को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन की इसी चुनौती को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं और जेलेंस्की की फौज को घुटनों पर लाने के लिए आने वाले दिनों में उनकी ओर से हवाई हमलों का सिलसिला तेज हो सकता है, जिससे निपटने के लिए नेटो के महासचिव येन स्टोल्टनबर्ग ने नेटो देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की अपील की, जिसका असर भी होता दिखा। और पोलैंड ने जर्मनी से वो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने के लिए कह दिया, जिसकी खरीद के लिए कुछ दिनों पहले ही उसकी जर्मनी के साथ डील हो चुकी है। इसके अलावा जर्मनी ने भी यूक्रेन को आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट टैंक देने का भरोसा दिया। वहीं नेटो के सदस्य बनने की तैयारी में जुटे फिनलैंड ने यूक्रेन के सैनिकों को सर्दियों में जंग लड़ने की ट्रेनिंग की पेशकश कर दी है। मतलब ये कि सर्दियों में यूक्रेन युद्ध और भीषण हो सकता है,
क्योंकि पुतिन के बड़े हमले की आशंका के बीच नेटो ने इस जंग में टिके रहने के लिए यूक्रेन को अपने घातक हथियारों से लैस करने की ठान ली है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चीन से जुड़ी। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि चीन 1500 न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में है। मतलब यह कि सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में चीन के पास सिर्फ 200 परमाणु हथियार थे, लेकिन अब उसके पास परमाणु बमों की संख्या बढ़कर 400 पहुंच गई है। लेकिन दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अगर इसी तरह चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाता रहा तो 2035 तक उसके पास 1500 से ज्यादा एटम बम हो जाएंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है और इसीलिए अमेरिका इस खतरे से सभी को आगाह कर रहा है। उधर चीन यह भी जानता है कि उसके महाशक्ति बनने की राह में अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा है और इसी वजह से वो अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में जुट गया है, क्योंकि चीन को यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर उसका टकराव अमेरिका से हुआ तो फिर न्यूक्लियर पावर ही उसे बचा पाएगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास अभी 400 परमाणु हथियार हैं और वो 2035 तक 1500 एटम बम बना लेगा, जबकि साल 2020 में अमेरिका ने यह अनुमान लगाया था कि चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 200 के आसपास है और अगले 10 साल में इसकी संख्या बढ़कर दुगनी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका का यह अनुमान तब गलत साबित हो गया जब चीन ने महज 2 साल के अंदर परमाणु हथियारों की संख्या 400 से ज्यादा कर ली और इसी बात से अमेरिका की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अगर चीन इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और परमाणु हथियार बनाता रहा तो वो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका और रूस को काफी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस के पास सबसे ज्यादा एटम बम है और इस मामले में अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। अमेरिका का दावा है चीन न सिर्फ परमाणु हथियार बढ़ाने में जुटा है बल्कि वो जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगहों पर खुद को ताकतवर बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में चीन ने 135 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए थे, जो बाकी दुनिया के कुल टेस्ट से ज्यादा है। यही नहीं, 2025 तक चीन के पास जंगी जहाजों की संख्या 400 तक पहुंच जाएगी, जो अत्याधुनिक घातक हथियारों से लैस होंगे। दावा है कि अंतरिक्ष में भी जंग लड़ने के लिए चीन हथियार विकसित कर रहा है। चीन के पास 10 लाख सैनिकों की सेना है। जंगी जहाजों की संख्या के आधार पर चीन के पास सबसे बड़ी नौसेना और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है और अब वो सुपर पावर बनने के लिए परमाणु ताकत बढ़ा रहा है ताकि आने वाले वक्त में वो अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को चुनौती दे सके। इस बीच पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया। इस हमले में पाकिस्तान के 5 पुलिस वालों की जान चली गई। आसिम मुनीर के पाकिस्तानी फौज की कमान संभालने के थोड़ी ही देर बाद यह हमला हुआ और साफ हो गया कि पाकिस्तान की फौज के मुखिया के तौर पर उनका काम आसान नहीं होगा। उन्होंने अभी पाकिस्तानी फौज के चीफ का दफ्तर ठीक से देखा भी नहीं था और उससे पहले ही दर्दनाक हमले की खबर आ गई। पाकिस्तान के पुलिस वालों को ले जा रहा एक ट्रक आतंकी हमले का शिकार बन गया। हमला इतना जोरदार था कि आसपास चल रही कुछ गाड़ियां भी धमाके की चपेट में आ गई। हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली। ये वही संगठन है जिसकी तरफ से आई चिट्ठी ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान की सरकार की टेंशन बढ़ा दी। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान बारूद के ढेर पर है और वहाँ बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की फौज ने सीज फायर का समझौता किया था। जून के बाद से ही ये संगठन खामोश था, लेकिन TTP की शिकायत ये है कि समझौते के बावजूद पाकिस्तान की फौज शांत नहीं थी, इसीलिए उसने समझौते को तोड़ने का ऐलान कर दिया था और पूरे पाकिस्तान में मौजूद TTP से जुड़े लड़ाकों के नाम एक चिट्ठी भी जारी की थी। कहा गया था कि पूरे पाकिस्तान में धमाके किए जाएं ताकि पाकिस्तान की फौज को उनकी आवाज सुनाई दे। और इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज कुछ समझ पाती, क्वेटा में एक बड़ा हमला हो गया। पाकिस्तान की पुलिस के कई जवान एक ट्रक में सवार होकर जा रहे थे, उसी वक्त एक आत्मघाती हमलावर ट्रक के करीब पहुंच गया। अचानक हुए ब्लास्ट में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमले वाली जगह पर सैकड़ों मीटर दूर तक मलबा फैला हुआ दिखने लगा। कुछ ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। इतने बड़े हमले में कई किलो विस्फोटक के इस्तेमाल का अंदेशा लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये हमला TTP ने केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए किया है, लेकिन यह अकेला हमला नहीं है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में ये हमलों की एक नई शुरुआत है, जिसका साफ मतलब ये है कि अपनी ही लगाई आग में पाकिस्तान अब जलने लगा है। यानी पाकिस्तान की फौज के नए मुखिया आसिम मुनीर की टेंशन और बढ़ने वाली है। माना जा रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से टकराव का असर अफगानिस्तान पर भी पड़ेगा और अफगानिस्तान बॉर्डर पर चल रहा विवाद और भड़क सकता है। अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान और TTP में ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद TTP की विचारधारा बिल्कुल अफगानिस्तान वाले तालिबान जैसी ही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा यानी ड्यूरेंट लाइन पर तालिबान भड़के हुए हैं। ड्यूरेंट लाइन पर तालिबान और पाकिस्तान पिछले एक महीने से आमने सामने हैं।
पाकिस्तान में अगर टीटीपी के साथ जंग छिड़ गई तो तालिबान के तेवर भी तल्ख हो सकते हैं। यानी एक तरफ टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान के शहरों पर हमले करेंगे, दूसरी तरफ तालिबान बॉर्डर पर पाकिस्तान की आफत बनेंगे। मतलब ये कि पाकिस्तान की सेना के सामने घर के अंदर भी चुनौती है और घर के बाहर भी चुनौती। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज के नए चीफ आसिम मुनीर के लिए ये चुनौती किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। उधर दक्षिण कोरिया का आरोप है कि चीन और रूस के लड़ाकू विमान उसकी हवाई सीमा में दाखिल हुए। अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करने पर चीन पहले से ही दक्षिण कोरिया पर भड़का हुआ है। और इसी बीच उसके दो लड़ाकू विमानों ने दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में घुसकर उसे टेंशन में ला दिया। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि सबसे पहले चीन के दो H-6 बॉम्बर उसकी सीमा में दाखिल हुए। इनके बाद रूस के बाद एक 6 लड़ाकू विमानों ने इसी तरह उसकी सीमा को पार किया। बताया गया कि रूस के इन विमानों में TU-95 बॉम्बर और Sukhoi-35 फाइटर जेट भी शामिल थे। असल में दक्षिण कोरिया ने हाल ही में कई बार अमेरिकी सेना के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया था, जिसके बाद से ही चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस के बीच नजदीकी भी बढ़ी है। कई मौकों पर दोनों के सुर एक जैसे रहे हैं। और इसी वजह से जब दक्षिण कोरिया ने अपनी सीमा में इन दोनों देशों के विमानों को देखा तो वो तुरंत एक्शन में आ गया। दावा है कि दक्षिण कोरिया की सेना पलटवार के लिए तैयार हो गई और उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया ने अपने ताकतवर F-15 के लड़ाकू विमान भी आसमान में उड़ा दिए। बताया गया कि दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट ने चीन और रूस के विमानों का काफी दूर तक पीछा किया। और दक्षिण कोरिया के जबरदस्त पलटवार करने के बाद चीन और रूस के लड़ाकू विमान लौट गए। दक्षिण कोरिया का ये भी दावा है कि चीन और रूस की वायुसेना मिलकर इन दिनों मिलिट्री ड्रिल कर रही है और उसकी सीमा में इन दोनों देशों के लड़ाकू विमानों का दाखिल होना इसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा हो सकता है। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड ने अपनी सीमा पर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने से इनकार कर दिया। उसने इस डिफेंस सिस्टम के लिए जर्मनी की मदद को ठुकरा दिया और उसे ये संदेश दे दिया कि वो इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर तैनात नहीं करेगा। इसके साथ ही पोलैंड ने जर्मनी को यह भी नसीहत दी कि वो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीधा यूक्रेन ही भेज दे ताकि वो रूस की मिसाइलों से अपनी सुरक्षा कर सके। कुछ रोज पहले ही जर्मनी ने पोलैंड की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। ऐसा तब हुआ था जब एक मिसाइल उसकी सीमा में आकर गिर गई थी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। तब जर्मनी ने पोलैंड को सलाह दी थी कि वो रूस के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम की तैनाती करे, लेकिन अब पोलैंड ने इससे इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि उसने ऐसा रूस से सीधी दुश्मनी मोल लेने से बचने के लिए किया, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सीमा के अंदर से अगर रूसी मिसाइलों पर हमला हुआ तो फिर वो रूस के निशाने पर आ जाएगा। इस बीच खबर है कि पोप फ्रांसिस के बयान पर चेचन कमांडर रमजान कादिरव बुरी तरह भड़क गए, क्योंकि पोप फ्रांसिस ने पिछले दिनों एक अखबार को दिए इंटरव्यू में चेचन लड़ाकों को रूस की ओर से यूक्रेन में जंग लड़ रहे सबसे बेरहम सैनिक बताया था। और पोप के इसी बयान से पुतिन को अपना आका मानने वाले कादिरव आग बबूला हो गए। उन्होंने पोप फ्रांसिस को यूक्रेन जंग पर पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा का पीड़ित बता दिया। कादिरव ने यूक्रेन में चेचन लड़ाकों पर लग रहे बर्बरता के आरोपों को भी बेबुनियाद बताया और दावा किया कि उन्होंने हर बार हमले से पहले यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर का पूरा मौका दिया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि दुनिया के इतने बड़े धर्मगुरु दुश्मन के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के रवैये के बारे में नहीं जानते। कादिरव से पहले चेचनिया की संसद और वेटिकन सिटी में रूस के राजदूत भी पोप फ्रांसिस के बयान पर सख्त एतराज जता चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, चीन में चल रहे आंदोलनों पर चीन की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों की आगे झुकने के संकेत दे दिए हैं। मतलब ये कि सरकार कोरोना वायरस से जुड़ी जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव करने वाली है। अब तक चीन में विरोध प्रदर्शनों को ताकत के दम पर कुचलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पॉलिसी में बदलाव से जुड़ी जानकारी चीन की सरकार की तरफ से दी गई है। क्या बदलाव होंगे, कितनी छूट लोगों को दी जाएगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार चीन की सरकार को झुकना पड़ा है। कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार सवालों में। और माना तो यहां तक जा रहा था कि इन आंदोलनों की वजह से शी जिनपिंग की कुर्सी तक जा सकती है, लेकिन खबर आई कि चीन अब जीरो कोविड पॉलिसी में बदलाव पर राजी हो गया है। पिछले कुछ दिनों से चीन के कई बड़े शहर आंदोलन की आग में सुलग रहे हैं। प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में युवा हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें छात्र भी शामिल हैं। चीन की सरकार ने युवाओं से अपील की है कि वो घर लौट जाएं, हालांकि आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। चीन की सरकार से मिले भरोसे का लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा। लोग मान रहे हैं कि वहां की कम्युनिस्ट सरकार की पूरी कोशिश किसी भी तरह केवल आंदोलन को खत्म कराने की है। और इसकी वजह भी साफ है, चीन के अंदर चल रहे इस आंदोलन को अब दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन और कनाडा समेत दुनिया के कई देश खुलकर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी चीन को नसीहत दी है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों पर चीन की पुलिस की बर्बरता वाले वीडियो वायरल होने के बाद संयुक्त राष्ट्र को यह कदम उठाना पड़ा।
दूसरी तरफ ब्रिटेन भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खासतौर पर बीबीसी के पत्रकार के साथ हुई मारपीट पर नाराजगी जताई थी, जबकि कनाडा ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि लोगों से विरोध का अधिकार छीना जाना दुख की बात है। कनाडा ने यह भी कहा कि वो जरूरी कदम उठाने पर विचार कर रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन के सारे दुश्मन जिनपिंग की इस आफत का फायदा उठा सकते हैं। ऊपर से बड़ी परेशानी यह है कि इस आफत की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां पहले ही बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कारोबार समेट रही हैं। ऊपर से इन आंदोलनों के कारण बड़े बड़े शहर ठप पड़ गए हैं। बीजिंग समेत चीन के 5 सबसे बड़े शहर आंदोलन की वजह से बेहाल हैं। मतलब ये कि चीन के 5 ऐसे शहर जहां से उसकी 3/4 कमाई आती थी, वो 5ों शहर चौपट हैं। वो भी तब जब एप्पल जैसी बड़ी कंपनी पहले ही चीन से कारोबार समेटने के संकेत दे चुकी है। आंकड़े भी बताते हैं कि एप्पल धीरे धीरे चीन से कारोबार समेट रही है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 2019 में एप्पल के उत्पादों की कुल सप्लाई का करीब 45% हिस्सा चीन से आया था। 2020 में जब महामारी आई तो कुल सप्लाई का 41% हिस्सा ही चीन से आया और 2021 में यह आंकड़ा और घटकर 36% पर पहुंच गया। सबसे बड़ी गिरावट 2022 में आने का अनुमान है, क्योंकि इस साल बड़ी संख्या में एप्पल के प्रोडक्ट भारत, वियतनाम और ताइवान में बन रहे हैं। मतलब ये कि जीरो कोविड पॉलिसी के चक्कर में चीन की दुनिया भर में फजीहत भी हो रही है और उसकी जेब पर भी डाका पड़ रहा है। उधर नेटो में शामिल होने की तैयारी के बीच फिनलैंड ने अमेरिका से हथियारों की बड़ी डील कर ली। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका कई देशों को बड़े पैमाने पर हथियार बेच रहा है, और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फिनलैंड को हथियारों की बहुत बड़ी खेप देने की मंजूरी दे दी। दोनों देशों के बीच $323 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 2,600 करोड़ से ज्यादा की डील हुई। यानी यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका फिनलैंड को बड़ी संख्या में मिसाइलें और रॉकेट देगा। असल में फिनलैंड की सीमा रूस से मिलती है और जब से उसने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है तभी से वो पुतिन की नजरों में खटक रहा है। रूसी राष्ट्रपति कई बार फिनलैंड को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, जिसके बाद ही फिनलैंड ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया और घातक हथियारों के लिए उसने अमेरिका से सौदा कर लिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो रूसी हमले का सामना कर सके। इधर यूके में करवाई गई जनगणना में ईसाई समुदाय की आबादी पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। वहां की सरकार ने जानकारी दी कि पहली बार इंग्लैंड और वेल्स में ईसाई समुदाय के लोगों की आबादी कुल जनसंख्या के आधे से कम हो गई, जिससे यूके के ईसाई धर्म गुरुओं की टेंशन बढ़ गई और उन्होंने एक बार फिर ईसाई धर्म का प्रचार तेज करने की मांग उठा दी, क्योंकि यूके का आधिकारिक धर्म ईसाई है। लेकिन 2021 की जनगणना पर जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में कुल आबादी के करीब 46% लोगों ने ही अपना धर्म ईसाई बताया, जबकि 2011 की जनगणना में ये संख्या कुल आबादी के करीब 59% थी। हालांकि इस रिपोर्ट में स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के आंकड़े शामिल नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते इन दोनों ही जगहों पर तय वक्त पर जनगणना शुरू नहीं हो पाई थी। लेकिन जनगणना के जो आंकड़े सामने आए उनसे ईसाई संगठनों में खलबली मच गई, क्योंकि यूके के इतिहास में पहली बार ईसाई समुदाय के लोगों की आबादी कुल आबादी के 50% से कम हो गई। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने वाले ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में पुतिन मॉस्को समेत कई बड़े शहरों में मार्शल लॉ लगा सकते हैं, और माना जा रहा है कि उनके इस फैसले के खिलाफ रूस के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। इसी वजह से पुतिन ने विरोध प्रदर्शनों से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन अगले साल भीड़ को तितर बितर करने वाले हॉर्नेट ड्रोन को बड़े पैमाने पर बनाना शुरू करेंगे, जिसका इस्तेमाल प्रदर्शनों के दौरान भीड़ को भगाने के लिए किया जाएगा। इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि जंग के मैदान में भी ये दुश्मन के छक्के छोड़ा सकता है। यही नहीं, रडार जैमिंग तकनीक के साथ साथ खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इसमें एक ताकतवर कैमरा लगा है, और दावा यह किया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से ही रूस इस हॉर्नेट ड्रोन को बनाने का काम शुरू कर देगा। उधर यूक्रेन की सीमा के पास रूस के ब्रियंस्क में एक तेल डिपो में अचानक आग लग गई। तेल डिपो से निकलती भयानक आग की लपटों ने वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए, क्योंकि आग की उठती विकराल लपटें बवंडर की तरह फैलने लगी, जिन्हें ब्रियंस्क में कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। इसी बीच तेल डिपो में रुक रुक कर धमाके भी होने लगे, जिससे आग ज्यादा भड़क गई और उस पर काबू पाना दमकल विभाग के लिए मुश्किल हो गया। तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि वो कई घंटों तक जलता रहा, जिससे निकलते काले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। इस घटना में अभी तक किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है, साथ ही तेल डिपो में आग किस वजह से लगी वो भी अभी पता नहीं चल पाया है। इधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि चीन के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार जैक मा इन दिनों जापान में है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों पर सवाल उठाने के बाद से ही उनकी कोई खबर सामने नहीं आ रही थी।
और अब दावा किया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीनों से जापान की राजधानी टोक्यो में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। कहा गया कि इस दौरान उन्होंने जापान से ही अमेरिका और इसराइल की यात्राएं भी की हैं। असल में जैक मा ने न सिर्फ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों पर सवाल उठाए थे बल्कि उन्होंने कई सरकारी बैंकों की भी आलोचना की थी, जिसके बाद से ही वो और उनकी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा चीनी सरकार के रडार पर आ गई थी। बताया गया कि ऐसे में उनके लिए चीन में रहना बेहद मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने अपने देश को छोड़ने में ही भलाई समझी। जैक मा चीन के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में जुटा है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी बताया जाता है और ये पूरी दुनिया में कसाई ब्रिगेड के नाम से मशहूर है और अपने खूंखार रवैये के लिए जानी जाती है। इस ग्रुप के लड़ाके अपनी बेदर्दी के कारण दुनिया भर में बदनाम है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए बाइडेन सरकार वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में दिख रही है। जंग के दौरान इस खूंखार ग्रुप ने पुतिन की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई। खबर है कि वैगनर ग्रुप अफ्रीका में भी पैर पसारता जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में इस ग्रुप के अस्तित्व और ताकत बढ़ती चली गई। और ऐसा तब है जब वैगनर ग्रुप पर अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन पहले ही कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप के संस्थापक रूस के राष्ट्रपति के बेहद करीबी दोस्त हैं। आरोप है कि कुछ रोज पहले उन्होंने यूरोपीय संसद को धमकाने के लिए खून लगा हथौड़ा भेजा था। बताया गया कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यूरोपीय संसद ने हाल ही में यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को एक आतंकवादी देश घोषित किया था। हालांकि कुछ समय पहले रूस ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उसके वैगनर ग्रुप से संबंध है। उधर अमेरिकी संसद में समलैंगिक शादी से जुड़ा बिल पास हो गया, जो अमेरिका में रहने वाले उन सभी जोड़ों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने वहां की सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले के बाद शादी की थी। क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में समलैंगिक समुदाय को मान्यता दे दी थी, जिसके बाद इस समुदाय के कई लोगों ने शादी कर ली थी, जिन्हें अमेरिकी संसद से अच्छी खबर मिली क्योंकि अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में समलैंगिक शादी से जुड़ा बिल पास हो गया और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साइन होते ही ये कानून में बदल जाएगा और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला क्योंकि बाइडेन बोल चुके हैं कि संसद में जैसे ही ये बिल पास होगा वो तेजी से और गर्व से उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, जिसके बाद अमेरिका में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। क्योंकि जब यह बिल अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में पेश किया गया तो केवल सत्ता पक्ष के ही नहीं विपक्ष के भी कई सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला और समलैंगिक शादी का बिल पास हो गया। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 61 और विरोध में 36 वोट पड़े। जो 61 वोट बिल के समर्थन में पड़े उनमें 12 रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के थे, जिन्होंने समलैंगिक शादी से जुड़े बिल में डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया। और जैसे ही ये बिल पास हुआ बाइडेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने बयान दिया कि प्यार तो प्यार होता है और अमेरिका के लोगों को उससे शादी करनी चाहिए जिससे वो प्यार करते हैं। उन्होंने इस बिल का समर्थन करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की भी तारीफ और खुलकर जताया कि अमेरिका में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिलने से वो खुश हैं और इसे एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्का ने रूस की सेना पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस के सैनिकों ने यौन शोषण को हथियार बना लिया। ओलेना जेलेंस्का ने यह बयान यौन हिंसा से निपटने के लिए लंदन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया और आरोप लगाया कि रूस के सैनिक सिर्फ मिसाइलों की बौछारी नहीं कर रहे बल्कि यूक्रेन की महिलाओं पर भी जुल्म ढा रहे हैं। ओलेना जेलेंस्का के मुताबिक रूसी जवानों को रेप करने के लिए खुद उनकी पत्नियां उकसा रही हैं। लंदन के एक कार्यक्रम में उन्होंने इल्जाम लगाया कि रूस के सैनिकों ने रेप और यौन हिंसा को अपना हथियार बना लिया और वो खुलकर ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। यही नहीं, ओलेना जेलेंस्का ने उस ऑडियो क्लिप का भी जिक्र किया जिसमें रूस के सैनिकों की पत्नियां उन्हें यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कह रही थी, जिसकी ऑडियो क्लिप कुछ महीने पहले पश्चिमी मीडिया में जारी की गई थी, जिसमें रूस का एक जवान अपनी पत्नी से बात करता सुनाई दिया। फोन पर रूस के उस सैनिक की पत्नी उसे यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कहती सुनाई दी। इस ऑडियो का हवाला जेलेंस्की की पत्नी ने अपने भाषण में दिया। साथ ही जंग में रेप को युद्ध अपराध घोषित करने की मांग करते हुए गुनहगारों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने गलवान घटना के बाद अमेरिका को भारत के साथ संबंधों में दखल नहीं देने की चेतावनी दी थी। चीन ये नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत में इन दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हों, क्योंकि उसे ये डर सता रहा था कि 2020 में गलवान की हिंसक झड़प के बाद भारत अमेरिका के नजदीक चला जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंधों से परेशान है। वो ये नहीं चाहता है कि अमेरिका और भारत दोस्त बने।
पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि चीन ने एलएसी पर अवैध रूप से सेना को तैनात कर रखा है। इसके अलावा एलएसी पर चीन के अवैध निर्माणों पर भी अमेरिका ने सवाल उठाए थे, जिस पर चीन भड़क गया था। और इसके बाद ही उसने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो भारत और उसके बीच के रिश्तों से दूर रहे। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि चीन ने उस वक्त भारत के साथ तनाव कम करने की बात कही थी, लेकिन उसे अमेरिका की दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही थी। उधर रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में एक गैस ठिकाने को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल उस जगह गिरी जहां से लोगों के घरों में गैस सप्लाई की जाती थी, लेकिन हमले के बाद वहां आग लग गई। मिसाइल गिरने से वहां गैस की पाइपलाइन टूट गई और उससे गैस बाहर निकलने लगी। बताया गया कि जिस जगह पर हमला किया गया वहां से आसपास के बड़े इलाके में गैस की सप्लाई की जाती थी, लेकिन सर्दी के मौसम में अब वहां से गैस की सप्लाई रुक गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले भी रूस ने पिछले करीब 2 महीनों में उन जगहों को निशाना बनाया है जो आम लोगों की जरूरत से जुड़ी थी। रूस ने यूक्रेन के कई पावर प्लांट और हाइड्रो प्लांट पर हमले बोले, जिसके बाद कई शहरों में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। रूस ने कई गैस प्लांटों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद कहा गया कि उसने सर्दियों में यूक्रेन के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए ये रणनीति अपनाई है, ताकि जंग में यूक्रेन को झुकाया जा सके। इधर इलॉन मस्क का एक ट्वीट खूब चर्चा में है। ट्विटर खरीदने के बाद इलॉन मस्क ने अपने बेड के पास रखी एक मेज की फोटो ट्वीट की। अपनी इस फोटो की वजह से वो नए विवाद में गिर गए और गन कल्चर का विरोध करने वाले लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्विटर पर डाली गई तस्वीर में कोल्ड ड्रिंक के 4 कैन रखे दिखे, इसके अलावा कुछ हथियार रखे दिखे। मोटे तौर पर 2 हथियार दिखे, एक असली और एक नकली। काले रंग की पिस्टल असली मानी जा रही है और वुडन फ्रेम वाली पिस्तौल नकली मानी जा रही है। इलॉन मस्क ने यह फोटो ट्वीट करते हुए बस माय बेड साइड टेबल के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। इलॉन मस्क गन कल्चर की तरफदारी करने वालों में शामिल रहे हैं, लेकिन हथियार की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालते ही विवाद खड़ा हो गया। उन पर आरोप लगने लगे कि वो हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका में दशकों से गन कल्चर पर बहस चल रही है। कुछ लोग वहां गन कल्चर के पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में। ट्विटर पर लोगों ने यह तक कहा कि गन कल्चर का समर्थक होना अलग बात है, लेकिन गन को प्रमोट करना अलग बात है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका के सैटेलाइट को पुतिन ने एक बार फिर गिराने की धमकी दी। रूस का आरोप है कि पश्चिमी देशों की सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन की सेना उस पर जोरदार पलटवार कर रही है, जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। इसी वजह से पुतिन न सिर्फ बौखलाए हुए हैं, बल्कि वो पश्चिमी देशों की सैटेलाइट को मार गिराने तक की धमकी दे रहे हैं। पुतिन को इस बात का भी शक है कि जंग में अमेरिकी सैटेलाइट यूक्रेन की मदद करने के साथ रूस की जासूसी करने में भी लगी है। हालांकि ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं कि अमेरिकी सैटेलाइट रूस के लड़ाकू विमानों पर नजर रख रही है और ये पता लगा रही है कि रूस के लड़ाकू विमान और उसके बड़े बड़े हथियार कहां जा रहे हैं। खबर ये भी आई थी कि अमेरिकी सैटेलाइट रूस के परमाणु हथियारों की भी जासूसी में जुटी है। उस दौरान भी रूस ने अमेरिका को स्पेस वॉर की चुनौती दे डाली थी और अब एक बार फिर रूस ने पश्चिमी देशों की सैटेलाइटों को मार गिराने की धमकी दी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस ने भारत से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा। और इन प्रतिबंधों की सबसे बड़ी मार रूस के ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को अपने विमानों और ट्रेनों की मरम्मत के लिए जरूरी पुर्जे नहीं मिल रहे और रूस की सरकारी एयरलाइन तो बहुत हद तक पश्चिमी देशों में बने एयरबस और बोइंग विमानों पर निर्भर है। लेकिन जंग शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने इन विमानों के पुर्जे रूस को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। और खबर है कि इस मुश्किल से निपटने के लिए रूस ने भारत के सामने मदद के लिए झोली फैलाई है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को 40 से ज्यादा उपकरणों की लिस्ट सौंपी है, जिनमें एयरक्राफ्ट और ट्रेन की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे भी शामिल हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक रूस की इस मांग पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जबकि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को ये लिस्ट उस वक्त सौंपी थी जब नवंबर की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे थे। और रूस को उम्मीद है कि जिस तरह पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारत ने उससे तेल की खरीद जारी रखी, वो इस मामले में भी उसकी मदद से पीछे नहीं हटेगा। जानकारों का मानना है कि अगर रूस की मांग मान ली गई तो आने वाले महीनों में भारत से रूस को होने वाला निर्यात $1,000 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 80,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, जो फिलहाल करीब $200 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,000 करोड़ है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि भारत की कुछ कंपनियां रूस को उसकी जरूरत के उपकरण सप्लाई करने में हिचकिचाहट दिखा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने पर वो पश्चिमी देशों के निशाने पर आ जाएंगी। ब्रेकिंग न्यूज, स्पेन में यूक्रेन के दूतावास में हुए धमाके पर यूक्रेन युद्ध के बीच स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेन के दूतावास में विस्फोट हो गया। पुलिस के मुताबिक इस ब्लास्ट में दूतावास का एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शुरुआती जानकारी में पता चला है कि दूतावास में एक लिफाफा भेजा गया जिसे खोलते ही जोरदार धमाका हुआ। अब यह पता किया जा रहा है कि इस ब्लास्ट के पीछे कौन है। स्पेन की घटना के बाद दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, साथ ही कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या पता चल रहा है? हाँ जी, देखिए किशोर जी, जिस तरह से यूक्रेन के एम्बेसी पे लेटर बम का विस्फोट हुआ, उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी, उनका कहना है कि पहले से जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहती है तमाम एम्बेसीज की, और खासतौर पर यूक्रेन के एम्बेसी के बाहर पहले से सुरक्षा चाक चौबंद थी, और उनके जो कर्मचारी उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया, और आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है उन पर भी पैनी नजर रखने के लिए जो है वो एम्बेसी के अधिकारियों को कहा गया, और दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है पूरी घटना के बाद। शुक्रिया आनंद आपका। इधर खबर है कि ईरान में सितंबर से जारी प्रदर्शन में 450 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। 16 सितंबर को महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हिजाब विरोधी आंदोलन शुरू हुए थे, जो धीरे धीरे पूरे ईरान में फैल गए। नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन ने इनसे जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े दिए हैं। दावा किया गया है कि अब तक 450 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा झड़प की घटनाओं में कई पुलिस वालों की जान भी गई। उधर चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जमिन का निधन हो गया। चीन के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जियांग जमिन को ब्लड कैंसर था और उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जमिन 96 साल के थे। उन्होंने चीन के तेज विकास के लिए आर्थिक सुधारों का समर्थन किया था और चीन को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने विदेश मंत्री की मौत के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए। 3 दिन पहले बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर माइके की 64 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने विदेश मंत्री व्लादिमीर माइके की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत का पता लगाने के लिए टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के आदेश दे दिए, जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं व्लादिमीर माइके को जानबूझकर जहर तो नहीं दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि वो पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर संपर्क में थे और जंग में रूस के बेलारूस को इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। रूस बीते 9 महीने से लगातार बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमले कर रहा। व्लादिमीर माइके को पुतिन का विरोधी बताया जाता था, इसी वजह से ये आशंका जताई गई कि उनकी मौत के पीछे रूस का हाथ हो सकता है, क्योंकि अपनी मौत से ठीक पहले तक बेलारूस के विदेश मंत्री स्वस्थ थे और किसी तरह की गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे थे। व्लादिमीर माइके की रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात होनी थी, लेकिन उससे 1 दिन पहले उनकी मौत हो गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर माइके की मौत के बाद लुकाशेंको को भी अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हो रहा है। खबर है कि इसी वजह से उन्होंने उनके यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को बदल दिया, जिनमें उनके लिए खाना बनाने वाला शेफ भी शामिल है, क्योंकि लुकाशेंको को डर है कि कोई उनके खाने में जहर मिलाकर उनकी जान लेने की साजिश रच सकता है। उधर दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां एक अमेरिकी युद्धपोत के पहुंचने पर चीन ने उसे धमकी दे दी। G20 में बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच समंदर के इस हिस्से में यह पहली भिड़ंत है, जिसमें चीन ने अमेरिका के एक युद्धपोत का दक्षिण चीन सागर में आने पर जोरदार विरोध किया। चीन ने घातक मिसाइलों से लैस अमेरिकी युद्धपोत के वहां आने को अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन बताया, क्योंकि अमेरिका का यह जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड्स के करीब पहुंच गया था, जिसे चीन अपना बताता है। हालांकि अमेरिका ने चीन के आरोपों को झूठा करार दिया। अमेरिका ने साफ किया कि वो चीन की समुद्री सीमा में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में है, जहां से कोई भी जहाज गुजर सकता है। लेकिन दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर में काफी देर तक तनाव बना रहा, और ऐसा बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के बाद पहली बार हुआ। दोनों इंडोनेशिया में हुई G20 समिट के दौरान 2 हफ्ते पहले मिले थे, तब बाइडेन और शी ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर जोर दिया था। इस बीच रूस ने हमले का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें उसके जवानों ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से पूरा इलाका दहल उठा। सामने आए वीडियो में रूस के जवान हमले की तैयारी करते नजर आए। वो हथियारों से लैस एक टैंक को खुले मैदान की तरफ ले गए और वहां से यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। दावा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों समेत आधुनिक हथियारों से लैस टैंक तबाह हो गए और जेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उधर आसिम मुनीर के पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही 2 बड़े अफसरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक रोज पहले ही आसिम मुनीर ने सेना प्रमुख के तौर पर बाजवा की जगह ली थी, और पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि उनके पद संभालते ही सेना में विरोध के सुर तेज हो गए। आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाए जाने से नाराज 2 अफसरों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का इस्तीफा तो मंजूर भी कर लिया गया,
जबकि दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने भी अपना पद छोड़ दिया। जबकि दोनों अफसर सेना प्रमुख बनने की रेस में आगे चल रहे थे, उनके नाम करीब करीब तय भी हो गए थे, लेकिन ऐन मौके पर दोनों का पत्ता साफ हो गया और असीम मुनीर को आर्मी चीफ की गद्दी सौंप दी गई, क्योंकि उन्हें इमरान खान का कट्टर विरोधी बताया जाता है। जबकि जिन दो अफसरों ने इस्तीफा दिया वो इमरान खान के चहेते थे, इसी वजह से उनकी जगह आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना की कमान दी गई, ताकि इमरान खान और उनकी पार्टी पर नकेल कसी जा सके। इस बीच सीरिया पर चौतरफा हमले की तैयारी में बैठे तुर्की ने वहां 5 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। तुर्की की तरफ से जानकारी दी गई कि उसने उन्हें उत्तरी सीरिया में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान मारा और फिर अपने इस ऑपरेशन के बारे में दुनिया को बताया। उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना का घुसना, वहां तबाही मचाना कोई नई बात नहीं है। एक दिन पहले ही तुर्की ने बयान दिया था कि वो कुछ ही दिनों में सीरिया पर हमला कर देगा, जिसके लिए उसकी तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। या यूं कहें कि तुर्की ने ऐलान कर दिया कि सीरिया पर तुर्की के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इसी बीच तुर्की ने उत्तरी सीरिया में चलाए गए उसके एक और ऑपरेशन की जानकारी दी और बताया कि उसने वहां 5 कुर्द लड़ाकों को मारा है, क्योंकि उसे शक था कि वो कुर्द लड़ाके तुर्की के सैनिकों पर हमला करने की तैयारी में थे। वैसे तुर्की कई दिनों से कह रहा है कि वो सीरिया के खिलाफ जंग छेड़ने वाला है और उस पर जमीन और आसमान दोनों तरफ से हवाई हमला करने वाला है। लेकिन अब एर्दोगान एक नई बात कह रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि तुर्की की सेना पहले कुर्द लड़ाकों को तुर्की और सीरिया के बॉर्डर से दूर हटाएगी और फिर सीरिया पर हमला करेगी, क्योंकि उसे डर है कि सीरिया में कुर्द लड़ाकों का संगठन SDF तुर्की में घुसपैठ का प्लान बना रहा है। जबकि SDF ने अमेरिका से मदद मांगी और कहा कि तुर्की उसके ठिकानों पर कभी भी हमला कर देगा, यानी तुर्की हमला करे या न करे उसने SDF को डरा जरूर दिया है। उधर यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने ज़ेलेंस्की की सेना के एक कैंप का दौरा किया। इस दौरे का वीडियो ब्रिटेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक ट्रेनिंग कैंप में यूक्रेन के सैनिक युद्ध का अभ्यास करते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में एक जवान ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करता दिखा, उसके पीछे कई दूसरे जवान भी ट्रेनिंग लेते नजर आए। बताया गया कि न्यूजीलैंड की सेना का एक जवान पिछले कई दिनों से ज़ेलेंस्की के सैनिकों को ट्रेनिंग देने में जुटा है। हालांकि ब्रिटेन ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि यह वीडियो किस इलाके का है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के शुरुआती दिनों में ही यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की प्लानिंग कर ली थी। इस बात का पर्दाफाश खुद रूस की खुफिया एजेंसी FSB के एक कर्मचारी की लीक ईमेल से हुआ। ईमेल के मुताबिक 24 फरवरी को हमले के बाद जंग के शुरू होने में ही यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्लान था, यानी हमले के तुरंत बाद यूक्रेन को ऐसे दहलाने की योजना बना ली गई थी कि वो घुटने टेक दे, और इसके लिए पुतिन ने तैयारी भी कर ली थी। हालांकि अपने ही अधिकारियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। ये दावा अमेरिका की न्यूज़वीक मैगजीन ने FSB के कर्मचारी की लीक ईमेल के आधार पर किया, जिसमें यह बताया गया कि जंग के पहले महीने में ही यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की तैयारी थी और इसी मुद्दे पर पुतिन ने अपने खास लोगों के साथ चर्चा भी शुरू कर दी थी। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी FSB के एक कर्मचारी ने एक नहीं बल्कि कई ईमेल एक सामाजिक कार्यकर्ता को भेजी थी, जिनमें यूक्रेन पर परमाणु बम से हमले की आशंका जताई गई थी। और ईमेल के मुताबिक ऐसा जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही करने का प्लान था, यानी पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के कुछ दिन बाद ही उसे बर्बाद करने की तैयारी कर ली थी। क्योंकि रिपोर्ट में रूस की खुफिया एजेंसी की जिन ईमेल का हवाला दिया गया उनमें पहली ईमेल 4 मार्च यानी 24 फरवरी को हुए हमले के 8 दिन बाद ही लिखी गई थी। इसके बाद 17 मार्च, 21 मार्च और 12 अप्रैल को भी FSB के कर्मचारी ने सामाजिक कार्यकर्ता को ईमेल भेजी थी, जिनमें परमाणु हमला होने की आशंका के साथ ही जंग छेड़ने के बाद पुतिन के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी का भी जिक्र किया गया था। और ये दावा किया गया था कि पुतिन के खिलाफ सिर्फ FSB के अधिकारी ही नहीं बल्कि सेना के कई लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद परमाणु हमले की जिद पर अड़े पुतिन को भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं परमाणु हमले के बाद उनके करीबी ही साथ न छोड़ दें। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना के कई अधिकारी तो पुतिन से इतने खफा थे कि वो खुलकर विरोध जताने लगे थे, जबकि दबी जुबान में वहां ये भी कहा जाने लगा कि परमाणु हमला करके पुतिन सबसे बड़ी मूर्खता करेंगे, क्योंकि ऐसा करके वो पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेते। ईमेल के मुताबिक रूसी सेना के अधिकारियों ने पुतिन के खिलाफ ऐसा रुख दिखाया मानो वहां गृह युद्ध छिड़ने वाला हो, और इसी बात ने पुतिन को परमाणु हमले जैसा कदम उठाने से रोक दिया। लेकिन उन्होंने यूक्रेन पर हमला नहीं रोका, जबकि खुद उनकी खुफिया एजेंसी यूक्रेन पर हुए हमले के खिलाफ थी। न्यूज़वीक ने दावा किया कि FSB ने इसे एक बिना सोचे समझे उठाया कदम करार दिया था, और इसके लिए उसने सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। FSB की लीक हुई ईमेल के मुताबिक जंग की शुरुआत में ही यह साफ हो गया था कि रूसी सेना के पास लड़ाई की कोई रणनीति नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ पुतिन के घमंड की वजह से यूक्रेन पर धावा बोल दिया था, क्योंकि पुतिन यूक्रेन को रूस में मिलाने का ऐलान कर चुके थे।
और इस फैसले में उनके करीबियों को भी साथ देना पड़ा। एफएसबी के कर्मचारी ने ईमेल में इस बात का जिक्र किया कि पुतिन को यूक्रेन पर हमले से रोकने वाला रूस में कोई नहीं था, जबकि सभी को उससे होने वाले नुकसान का अंदाजा था। उधर खबर है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव से बौखलाया चीन इस इलाके में सैन्य अड्डे बनाने में जुट गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। मतलब ये कि दक्षिण चीन सागर के बाद चीन ने अब पूरे हिंद महासागर पर अपना दबदबा बढ़ाने के गेम प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए पहले उसने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके के कई देशों के बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बनाई, जिसमें भारत के आसपास बसे पाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। और पेंटागन की ओर से अमेरिकी कांग्रेस में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने अब इन देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाने की कोशिश भी तेज कर दी है, और कंबोडिया में तो उसने नेवल बेस बनाने का काम शुरू भी कर दिया, जो इस इलाके में उसका पहला सैन्य अड्डा होगा, जिसके तैयार होने पर हिंद महासागर में चीन की पकड़ मजबूत हो जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सोवियत संघ के दौर की खुफिया एजेंसी KGB में जासूस रहते व्लादिमीर पुतिन बेहद क्रूर थे। पश्चिमी मीडिया में यह भी दावा किया गया कि पुतिन का ये राज KGB की एक फाइल में दफन था, जिसमें इस बात का सबूत है कि एक जासूस के तौर पर पुतिन का इतिहास बेहद काला रहा है, क्योंकि सोवियत संघ के दौर में तब की सरकार के खिलाफ लिखने, बोलने या पेंटिंग बनाने वाले को पुतिन यातना शिविरों में भेज दिया करते थे। वो उस समय महज 23 साल के थे और तब की खुफिया एजेंसी KGB में तैनात थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक KGB की सीक्रेट रिपोर्ट में बताया गया कि वो उस वक्त के उन अफसरों में शुमार थे जो सोवियत संघ में अपनी क्रूरता के लिए बदनाम थे। उस दौर में सरकार विरोधी लेखकों और कलाकारों पर काफी कड़े प्रतिबंध थे, जो उन्हें नहीं मानता था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। दावा है कि पुतिन इन्हीं लोगों को यातना शिविरों में कड़ी सजा देते थे। पश्चिमी मीडिया ने कुछ पन्ने जारी कर इसे पुतिन से जुड़ी KGB की सीक्रेट रिपोर्ट बताया। इस बीच ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि ताइवान संकट पर पहली बार नेटो में चर्चा की गई। हालांकि इस मुद्दे पर बैठक सितंबर में हुई थी, लेकिन इसकी खबर अब सामने आई है। और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक नेटो की इस बैठक में सिर्फ ताइवान मुद्दे पर ही बातचीत हुई थी। कहा गया कि इस बैठक में अमेरिका ने नेटो देशों का ध्यान चीन की तरफ खींचा था, जो ताइवान पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बताया गया कि अमेरिका ने चीनी सेना की तैयारियों की जानकारी भी नेटो देशों को दी थी, क्योंकि चीनी सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। वो न सिर्फ बमों और रॉकेट को इकट्ठा कर रही है, बल्कि बड़ी संख्या में घातक मिसाइलें भी जुटा रही है, ताकि किसी भी वक्त वो ताइवान पर हमला कर दे। हालांकि अमेरिका कई बार ऐलान कर चुका है कि अगर चीन ने ऐसा किया तो उसे अमेरिका से भी जंग लड़नी होगी, यानी तब अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ देगा। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन को एक बड़ा झटका दिया और उसे ब्रिटेन के परमाणु प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। ऋषि सुनक ने पद संभालने के बाद विदेश नीति पर दिए अपने पहले ही भाषण में जता दिया था कि ब्रिटेन और चीन के बीच रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। और ब्रिटेन के परमाणु प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी को अलग करके उन्होंने ये साबित भी कर दिया। करीब 9 साल पहले ब्रिटेन ने खुद चीन से कहा था कि वो उसके परमाणु प्रोजेक्ट में निवेश करे, जिसके बाद ब्रिटेन, चीन और फ्रांस ने मिलकर साइजवेल सी नाम के परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर काम शुरू किया था। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सत्ता संभालते ही फैसला किया कि वो साइजवेल सी प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी CGN को अलग कर देंगे और फ्रांस की कंपनी EDF के साथ 50-50 की पार्टनरशिप में काम करेंगे, क्योंकि ऋषि सुनक ने विदेश नीति पर अपने पहले ही संबोधन में बोल दिया था कि चीन के साथ ब्रिटेन के संबंधों का सुनहरा युग खत्म हो गया है। जिसका साफ यही मतलब था कि सुनक अब चीन के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया भर के देशों के रिश्ते बदल चुके हैं, और जो देश कभी दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मन बन चुके हैं। ब्रिटेन और चीन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद ब्रिटेन और अमेरिका साथ हैं, जबकि अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। यही नहीं, चीन ने उन सभी देशों से भी बैर मोल ले लिया है जो अमेरिका के दोस्त हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान और इंडो पैसिफिक रीजन है, जहां अमेरिका का ही नहीं ऑकस में अमेरिका के साथ ब्रिटेन का भी दखल बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा असर चीन और ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्तों पर भी पड़ा। क्योंकि गद्दी संभालते ही ऋषि सुनक ने बोल दिया कि चीन ब्रिटेन के लिए चुनौती है, क्योंकि ब्रिटेन और चीन की सोच नहीं मिलती। और जैसे जैसे चीन की निरंकुशता बढ़ती जा रही है, ब्रिटेन उससे दूर होता जा रहा है। यही नहीं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने यह भी जता दिया कि वो केवल चीन के खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाने के लिए कड़े फैसले भी लेंगे। ब्रिटेन के परमाणु प्रोजेक्ट से चीन को अलग करने का फैसला उन्हीं में एक है। ब्रिटेन का साइजवेल सी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इतनी बिजली पैदा होगी जो करीब 60 लाख घरों की जरूरत पूरी कर सकती है, और ब्रिटेन का दावा है कि वो 2035 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगा। लेकिन अब चीन इसका हिस्सा नहीं होगा। माना जा रहा है कि इससे काम में देरी हो सकती है, क्योंकि जब ब्रिटेन और चीन ने समझौता किया था तो तय हुआ था
कि चीन और फ्रांस की कंपनी इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन को मिलकर बनाएंगी, लेकिन अब हालात अलग हैं, क्योंकि ऋषि सुनक कह रहे हैं कि वो चीन से दूरी बनाएंगे और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान से रिश्ते मजबूत करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन युद्ध पर, यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमला किया है। खबर है कि रूस के ब्रियंस्क शहर के तेल डिपो में यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से आग लगी। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन रूस के मीडिया का आरोप है कि तेल डिपो में रखे एक टैंकर पर यूक्रेन की ओर से आए ड्रोन ने बम गिराया, जिसके बाद वहां रुक रुक के धमाके होने लगे और आग भड़क गई। देखते ही देखते ये आग बड़े दायरे में फैल गई और इसकी वजह से ब्रियंस से यूक्रेन की ओर जाने वाला रास्ता बंद करना पड़ गया। असल में रूस का ब्रियंस्क शहर यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास बसा है और यूक्रेन आरोप लगाता रहा है कि रूस इस शहर के रास्ते ही यूक्रेन में जंग लड़ रही सेना के लिए हथियारों की सप्लाई करता है और दावा किया जा रहा है कि तेल डिपो में हुए धमाके की वजह से हथियारों की सप्लाई के रूट को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। नेटो को आशंका है पुतिन सर्दियों में यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं और आने वाले